Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with the panel discussion on movies. इस ईद पे तीन मूवीज आई और भी आई थी, हमने तीन सेलेक्ट किए हैं जिनको हम रिव्यू करेंगे अभी, नाबालिग अफराद और उम्र यार. मेरे साथ पैनल में एज ऑलवेज इज कामरान जावेद, मलीहा रहमान एंड बुराक शमी. अस्सलाम वालेकुम गाइस. वालेकुम सलाम राबिया, क्या हाल चाल है? गुड. मलीहा ने इतना हम पे प्रेशर डाला है कि मुझे निकलना है कि मैंने टू द पॉइंट इंट्रो दिया और मैंने कहा लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू द, लेकिन हमारी बातें टू द पॉइंट नहीं होती, देयर इज अ लॉट टू एनालाइज रियली. सो अभी भी इतनी मुश्किल से हमने अपने आप को फोकस करके कि अब स्टार्ट करते हैं. आधी बातें तो आई थिंक हम लोगों ने पहले ही कर ली, बट इट इज सो मच फन, यू नो, वी आर ऑल सो पैशनेट अबाउट इट एंड एवरी वन हैज his or her own point of view, so I think मुझे बहुत मजा आता है. So I'm so glad Malia you joined us back because last time आप नहीं थी, I was traveling, so we were missing you. So I missed out on it also. yeah. So I'm glad I'm here. Yes. अच्छा तो कामरान आप start करते हैं. तीन movies, which is the best, which is the least, and then we'll decide कि हम किससे start कर रहे हैं. आपकी best अच्छा, okay. नाबालिग for me is the best of the lot. Okay. आपकी best कौन सी? उम्र यार. नाबालिग. जो एक एलिमेंट आप इंटरटेनमेंट की बात करते हैं, सो मुझे मज़ा आया देखने में. ऑफ कोर्स सर्टेन चीज़ें अगर हम एज वी प्रोसीड डिस्कस करते हैं, लेकिन जो मोमेंट्स होते हैं जिसमें कुछ मोमेंट्स में आई वाज एक्चुअली इन फिट्स ऑफ लाफ्टर, लाइक लाफ्टर वेरी फ्यू, बट एक्चुअली मज़ा आया, मज़े की लगी. और मुझे लगता है कि जिन्होंने 90s देखा है, ऑफ कोर्स ग्रोइंग अप इन 90s, उनके लिए ऐसा नहीं था कि ओ माय गॉड मुझे तो पता ही नहीं था कि पिछला ज़माना ऐसा हुआ करता था और मैंने तो कभी ये देखा नहीं, लेकिन यू नो रिकॉलिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स. और तो उसमें जो मोमेंट्स थे तो याद आता था कि अरे हाँ, मतलब अब इतना आगे आ गए हैं और टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से बढ़ रही है, एडवांसमेंट इतनी स्पीड से हो रही है कि आपको खुद भी कभी होता है कि अरे यार ये सब हुआ करता था, या मतलब तो कितना डिफरेंट हो गया है द एक्सेस एंड चीज़ें इस तरह की. सो मज़े वाला एलिमेंट आई थिंक वॉज द हाईलाइट फॉर मी. मुझे एक्टिंग अच्छी लगी दोनों बॉयज़ की, समर और आशिर की. आई थिंक इट्स देयर मूवी. स्क्रीन टाइम की बात करें, एक्टिंग की बात करें, नैरेटिव की बात करें, तो मोस्टली मुझे लगा कि ये दोनों की जो एक कहानी, जो बेसिकली मकसद था कि नाबालिग अफराद ग्रोइंग अप इन दी 90s, सो फन एलिमेंट आई थिंक वॉज दी हाईलाइट. म्यूज़िक तो खैर ऐसा मूवी में था नहीं. मुझे अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इस मूवी की. 90s के उससे अगर हम लाइट्स की, बल्ब्स की, कोई बिस्किट है, कोई ऐसी चीज़ है जो उस वक्त होती थी, घरों का तो कोई ऐसा जो नहीं, लेकिन ये VCR वाला तो सारी स्टोरी उस पर बेस्ड है. सो कहीं भी मुझे एटलीस्ट जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन थी और जितना मैंने नोट किया, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लगा कि नबील मिस्ड आउट ऑन एनी ऑफ दोज डिटेल्स के ये तो अभी के ज़माने की है, ये कहाँ से 90s की मूवी में आ गई, ऐसा नहीं था. सो आई लाइक्ड इट. बेस्ट क्यों है आई थिंक इस वजह से, सॉरी बाकी मुझे उस पर भी नहीं आ रहा. हाँ मैं बताऊं, देखिए बातें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है जो बुराक ने कहा, आई एग्री विद देम, मगर सिवाय एक पॉइंट के कि अटेंशन टू डिटेल, इफ़ यू हैव अ फिल्म सेट इन द 90s, व्हाई वुड यू नॉट गो इनटू दैट डिटेल? व्हाई वुड यू नॉट, सॉरी, गो इनटू दैट डिटेल? व्हाई वुड यू नॉट हैव द सेम रैपर्स, द क्लोथिंग, द इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा होते भी देखते भी है ना, ऐसा नहीं होता तो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं जो कर रहा है उसको. यस यस, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, बट दैट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दैट मूवी ना. तो आप उसको ये पॉइंट नहीं दे रहे हैं? मैं ये वाला पॉइंट नहीं दे रहा, क्योंकि अगर आप एक्शन फिल्म बनाएंगे तो उसमें एक्शन नहीं हुआ तो एक्शन कह क्यों रहे, राइट? तो ये वाली बात. इसके अलावा आई मीन आई एग्री, एक चीज़, दो चीज़ें एक्चुअली और भी हैं, थोड़ी सी टेक्निकल हैं. इसका कैमरा वर्क, अब जाके पिछली 3-4 फिल्मों, स्पेशली राणा कामरान का काम, राणा कामरान नबील इंतजा के साथ काफ़ी अरसे, पहली नामालूम अफराद के साथ ही है, राणा की एक अच्छी सिग्नेचर स्टाइल हो गई है. और मुझे राणा ने ये पहले बता दिया था कुछ दिन पहले कि ही शॉट इट ऑन अ लार्ज फ्रेम LF कैमरा, सही? तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, दैट्स अ टेक्निकल डिस्कशन ऑल ऑन दैट विल टेक अस ऑन अ टेंजेंट. मगर लार्ज फ्रेम कैमरा का जो सेंसर होता है बड़ा होता है, तो यू गेट अ मच वाइडर फ्रेम, नॉर्मल लेंसेज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उसके ऊपर, एंड देयर इज अ वे टू यूज़ इट करेक्टली. लोग, हर बंदा US, हॉलीवुड, अमेरिका, आपका चाइना वाइना, हर जगह सही, आप अगर 10 कंटेंट देख रहे हैं LF पे बना हुआ,
10 में से शायद एक या दो ही अच्छे होते हैं. तो राणा को LF का प्रॉपर इस्तेमाल करना, आई मीन आ गया, ये बहुत अच्छा लगता है ऑन द स्क्रीन. प्लस ही इज ऑल्सो डेवलप दिस वेरी गुड वे ऑफ शूटिंग, कि वो लो एंगल के अंदर रख के वाइडेस्ट ले के लेंसेज रख के सही एक पुश मार रहा होता है, कर रहा होता है, इट क्रिएट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ स्फेरिकल सही लुक दैट इमर्सेज यू इनटू इट ना. तो सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है. अच्छा, माय सिस्टर हु आल्सो रिव्यूज मूवीज, तो शी एक्चुअली डिडंट नो दैट इट वाज शॉट ऑन LF, बट शी इज वेरी वेल कैमरा वर्स ना, शी नोज द कैमराज इन एंड आउट, एंड शी इज लाइक लार्ज फॉर्मेट पे करा हुआ है. मैंने कहा हाउ डिड यू नो, एंड शी लाइक दिस दिस, मैंने कहा राइट. सो अगेन समवन इज ट्राइंग समथिंग वेरी डिफरेंट एंड इट वर्क्स, दैट्स अ मेजर प्लस पॉइंट. सेकेंडली लाइटिंग ऑफ द फिल्म बहुत नेचुरल है. नेचुरल लाइट करना, हम तो बेसिक लाइट नहीं कर सकते. राणा का नेचुरल लाइट करना, उसको फिर कंसिस्टेंट रखना फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. बाकी परफॉर्मेंसेस ऑफकोर्स, ये सारी चीज़ें तो फिर मैं बुराक वाली रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि आशिर कहाँ, एक बात है कि आशिर की परफॉर्मेंस इन जॉन एंड आशिर की परफॉर्मेंस ओवर हियर माइल्स अपार्ट. ही इज़ वेरी वर्सेटाइल. सेकेंडली समर का मैंने काम इससे पहले नहीं देखा था, टेलीविजन में देखता नहीं, तो सडनली नाउ ही इज़ इन माई रेडार, क्योंकि ही इज़ अ वेरी वेरी फाइन एक्टर, बहुत समझदार एक्टर है. बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छी है. मुझे क्या कहते हैं, इरफान मोती वाला बड़ा मज़ेदार लगा. आदि वॉज फाइन. आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ अ डिसबिलीव ऑन के ही डजंट लुक द सेम एज एज दैट ना. अगर एक भले एक दो साल बड़ा भी हो, हाँ एक दो साल बड़ा भी हो तो वो पाँच साल बड़ा तो ना लगना चाहिए ना. इट्स फाइन, इट वर्क्स, आई मीन देयर इज नो क्वाल्म्स अबाउट इट. अच्छा, इसके अलावा सलीम महराज, ऑलवेज एक्सेलेंट, अमेजिंग एक्टर, बहुत मज़ेदार. तो ये चीज़ें ना, हाँ अब माइनस पे तो हम बात नहीं कर रहे हैं ना अभी, सही है. तो फिर मलिक, आई लव द रेफरेंस, वो जब कहते हैं ना स्कूल में वो किसको बुलाना है, वो जो टीचर होता है हसन जहांगीर को, या लाइक दे, इट वाज रियली फन टू लिसन टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज आप एक डिफरेंट ही एरा में चले गए थे. तो मुझे नाबालिग अफराद का ये लगा कि जहाँ आप ये कह रहे हैं कि 90s की है तो ऑब्वियसली 90s की होगी, आई एग्री विद यू, बट आई ऑल्सो फील कि उसको इतने अच्छे तरीके से करना इज ऑल्सो समथिंग वी मस्ट यू नो रिकग्नाइज एंड अप्रिशिएट. क्योंकि ये हो सकता है कि 90s हो, लेकिन टू गिव इट दैट ट्रू फील एंड दैट यू नो इतनी डिटेल में जाके इतनी चीज़ों को करना, मुझे लगता है ये जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए. इट्स अ गिवन दैट इट हैज़ टू शो 90s, बट टू डू इट सो ब्रिलियंटली एंड सो एफर्टलेसली इज ऑल्सो समथिंग दैट वी नीड. अच्छा, आई थिंक वी द आर्किटेक्चर ऑफ कराची स्पेशली, जहाँ नबील मैक्सिमम अपनी फिल्में शूट करता है, नामालूम फर्स्ट हो गई, सही है, हमारे पास लोड वेडिंग तो नहीं हुई मगर कायदम जिंदाबाद भी हो गई. तो हमारे कराची का आर्किटेक्चर इतना चेंज नहीं हुआ फ्रॉम द 90s. आपके पास बेयर मिनिमम शिफ्टिंग आप चीज़ें कर लेना तो यू गेट इन टू दैट 90s वाइब वेरी इजिली. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आर्किटेक्चर. No, I'm talking about the other things. The dialogues, the dialogues, शादी का पूरा जो उन्होंने कैप्चर किया, it was so it was fine. Even if you were not from 90s, I think that movie took you back into the 90s. I didn't go to the 90s. I still think I'm in the 90s right now. तो मैं शायद उसी 30 साल पहले हूँ. मुझे लगा कि nostalgia part was very very well captured. मलिया आप पे आते हैं. Same. I think it was a light-hearted watch. That was its biggest plus point. Did you really laugh a lot? I didn't laugh a lot. I laughed sometimes. Yes. I didn't laugh a lot, but it was a well performed movie. Sab bahut achhi performances thi. Mujhe main cast to achhi lagi, iski ensemble cast bahut strong thi. Bahut strong thi aur unki agar ye supporting cast itni strong na hoti to shayad movie mein wo dam na hota. Halanki Aashir and Samara very good, but the supporting cast was also a strong one aur light hearted thi. Yahi baat hai ki aap aaram se Eid ke din या ईद की छुट्टियों में बैठ के देख सकते थे विदाउट ओवर थिंकिंग इट टू मच, यू नो. ऑल्सो इसमें स्टूपिड बातें कम थी, दैट्स अ प्लस, यू नो. लाइक हमारी मूवीज़ में अक्सर बहुत सी इम्प्लॉजिबल बातें होती हैं कि ये कैसे हो गया, अरे ये कहाँ से आ गया, अरे ये किधर से, ये विलन था, अच्छा ये तो हीरो था, बड़ी स्टूपिड बातें होती हैं. दिस वॉज अ बेटर रिटन स्क्रिप्ट, यू नो, इट मे हैव इट्स फ्लॉज, बट द स्क्रिप्ट इटसेल्फ was well written, it made sense, so I think that's a plus, that was not stupid. Like a majority what you're saying is what the film did, lekin the fact ki light aa gayi thi
तो फिर वो वीसीआर कहीं भी ले जाके वो कर सकते थे, वो मुझे नहीं, जब फ्लॉप वो मुझे नहीं समझ आई, मैं राज स्पॉइलर अलर्ट सोचा नहीं, लेकिन ये तो ओके सॉरी, ये तो नेगेटिव्स की बात है ना, जब नेगेटिव्स की बात करेंगे तब ये बात होगी, पर जनरली वो थी ना अच्छी, आपको समझ आता था कि हां ऐसा होता है, मेजॉरिटी चीजों का रेलेवेंस बना हुआ था कि उन्होंने जो टीचर भी दिखाई उसका कनेक्शन बाद में, उनका जो जिसके साथ वो डेट पे जा रही थी उसका कनेक्शन भी किया था कि वो मूवी वाली मूवी वाला उनको मिलेगा. जो अच्छी स्क्रिप्ट लिखने की जो बात कर रहे हैं ना, एक बड़ा बेसिक इन्ग्रीडियंट होता है सही है कि वो कहानी में कॉन्फ्लिक्ट कितना है, एंड दैट्स अ प्लस पॉइंट. नबील की पिछली फिल्म के अंदर भी, इस फिल्म के अंदर भी, तेरी मेरी कहानियाँ का सबसे बेस्ट बिट वॉज जिन महल. उसमें भी कहानी बहुत वेल राउंडेड थी. देव रियलाइज्ड आफ्टर लॉर्ड वेडिंग एंड इवन चलो कायदा जिंदाबाद में भंडे हो गए थे नैरेटिवली, अब नाउ दे नो कि हाँ कहानी में कॉन्फ्लिक्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इट्स लिटल विद कॉन्फ्लिक्स, दैट्स अनदर मेजर प्लस पॉइंट. सेकेंडली कॉन्फ्लिक्स लिंगर नहीं करते. यू इंट्रोड्यूस समथिंग कि ये कहानी में एक पॉइंट आ जाएगा और फिर आप उसको कभी रिजॉल्व ही ना करो ना, वो प्लॉट थ्रेड लिंगर कर रहा है, लटका हुआ है कहीं. तो आप बाहर निकलते कहते अच्छा ये इसका क्या हुआ था, जो आपकी बात से पिक करूंगी कि वो बहुत जल्दी एक कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ तो दूसरा आ गया, दूसरा आया तो आप उससे जरा थोड़ा सा सक्सेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे होना ना केप्ट इट अ लिटिल एंगेजिंग. सेकंडली अच्छा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा एक बात ये है कि कॉन्फ्लिक्ट आप लाके उस कॉन्फ्लिक्ट को कितना बड़ा लेके जाओगे. एक शायद आई थिंक इट वॉज अ डिलिबरेट डिसीजन, कॉन्फ्लिक्ट भी छोटे थे, इसके रिजॉल्व भी छोटे थे, बहुत सारे आ रहे थे. दैट केप्ट इट एंगेजिंग बट दैट डिड नॉट एलिवेट द स्क्रिप्ट और द स्टोरी ऑफ इट. That's a major thing. Flaw. हम इस पे आएंगे. Flaws पे आ गए हम लोग. नहीं. आ गए थे. लेकिन चले आ गए. कब आएंगे? चले आ गए. आ गए. आ गए. तो flaws कौन continue करेगा भाई? मैं ही करूँ. हाँ. Before I'll start on the flaws, I'll just say a few positive things. हाँ. Please do. Please do. Please. Yes. Please. उसको लगे कि मैं. नहीं. I think the way they captured the nostalgia was very good. I think I do have a lot of you know reservations about the film, but I think the I want to appreciate the fact that they did the they had the courage कि वो एक youth के लिए movie बनाए. ठीक है, अब वो कितनी successful हुई नहीं हुई, at least किसी ने ये हिम्मत तो की, तो मुझे ये बात अच्छी लगी. एक positive मैं भी add करूँगी जब आप add कर चुके हैं. Yeah, so and again and taking risk with newcomers. Aashir ने ये पहले movie की हुई है, but he's young and also you know summer की ये पहली movie थी. Rimha को उन्होंने chance दिया, छोटा था but I think she was there. So this combination of new and old actors was very well done and script as you said was काफ़ी उन्होंने relevance डाली हुई थी चीज़ों की. और मुझे बहुत जगह ऐसा भी लगा कि अगर आप 90s के नहीं भी थे तो you could still you know watch it and relate to it on a lot of if you are a young person you know मुझे ऐसा लगा. So ये कुछ चीज़ें थी जो मैं बिल्कुल definitely and as you said the camera work and all of these things मैं नोट करी थी. बहुत जगह उन्होंने उसको ना अब अगेन आप एक्सपर्ट हैं तो मैं थोड़ा सा उसका सोच करूँ, लेकिन कैमरा बहुत क्लोज कहीं किया जहाँ वो नहीं कर सकते थे बहुत कि वो आसपास की चीज़ों को रिवील कर देंगे एरा, तो उन्होंने बहुत क्लोज फ्रेमिंग भी बहुत जगह की हुई है. ब्रॉड फ्रेमिंग के साथ साथ आई फाउंड इट टू बी कहीं कहीं काफ़ी क्लोज भी थी. वो तो बुरे फ्रेम्स नहीं थे. नहीं बुरे बुरे की नहीं बात करी, बट बुरे फ्रेम्स तो थे ही नहीं इसमें. नहीं थे. एंड बिकॉज़ इट्स शॉट इन सच अ शॉर्ट टाइम, इट्स शॉट इन सच अ शॉर्ट टाइम, तो इसलिए भी उन्होंने ये चीज़ें की होंगी. सो दिस इज स्मार्ट फिल्म मेकिंग आई फील यू नो, एंड देयर इज नो हार्म इन making a film smartly as long as aap usko acche se deliver kare. So aap positive kare. No, actually the positive is actually kind of a negative. Okay. But so the highlight for me was Fahad Mustafa's cameo, because what the movie did not have was the larger than life cinematic appeal. It was a human story, it was an engaging story. It was more of an OTT story rather than a big cinema story. For me, it was very human. So when Fahad Mustafa's cameo was, that was your one hero moment, which was larger than life, which was cinematic. So I enjoyed that, and I think Fahad Mustafa fans
might just see this for Fahad Mustafa because he looks so good in those 5 minutes that he's there. मैं पता है इस बात पे मैंने बहुत सोचा. I don't know कि फहद मुस्तफा को लेकर आना अच्छा किया बुरा किया because for me as you saying he came and वो छा गए. हाँ. You know अब तक movie चल रही थी. For me those last scenes kind of like elevated the movie जो हम बात करें कि नहीं है मेरे लिए. And like यार अब मजा आया ना. Oh he came अब वो लगाएगा पिटाई करेगा हीरो ये this जो मैं kind of you know फ़खर मज़हर से एक्सपेक्ट करी थी जो उन्होंने कभी भी नहीं किया यू नो. तो वहाँ मुझे आई डोंट नो एज अ क्रिटिक एज अ रिव्यूअर एज अ व्यूअर फॉर मी इट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द टू हीरोज अ लिटिल बिट. थॉरली एग्री. देखिए दो चीज़ें सही है. फहद का जो कैरेक्टर है सही है. अब क्योंकि स्पॉइलर्स तो हमने अनाउंस ही कर दिए. गुलाब है. गुलाब कौन से जमाने में था? अभी था. गुलाब कौन से वाली फिल्म में था? कायदे आजम जिंदाबाद. कायदे आजम कब सेट हुई थी? दिस टाइम राइट नाउ. हां फिल्म कब सेट है? 90s. दैट्स अ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव. You are taking a character who is set in the present. It's not that deep though. No. I'm talking when you have a realistic film set in a realistic scenario. Huh. You're adding a character and you're adding a point that creates a suspension of disbelief. So, which is fine. Sahi. Chalo aap add kar le. Haan, exactly. Achha, iske alawa ek aur baat bhi hai. Aapne dal diya fines aage. Other than the bharam of Fahad Mustafa, bharam of a good cop. Sahi. Wo aa gaya. Rohit Shetty ki film chal rahi hai. Or yeah, Kaide Aazam chal rahi hai. Sahi na. Bharam ke saath aa gaya. And he just टक 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 सारी सिचुएशन उसने पूरी कर दी और चला गया. दैट इज लाइक यू सेड रॉबिंग द फिल्म एंड द टू कैरेक्टर्स जो आपके पास शुरुआत से एक के बाद एक मैसेज में जा रहे हैं सही और वो फंसते जा रहे हैं. दे डू नॉट नीड सम लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर टू कैन प्लग देम आउट. इट वुड हैव बीन मच बेटर इफ दे फाउंड देयर ओन सोल्यूशन समवेयर. वो आसान है. नाउ देयर सोल्यूशन for lack of a better term was to go to the police so it kind of works a little bit I think sahi magar I to usme Fahad Mustafa ki jagah ek normal wo tha to shayad shayad impact phir matlab 50-50 Malia was right when she pointed out ki ye balance hai thoda sa plus hai ya minus hai wo beech mein kahin wo hai ki you know dono taraf tilt wo Fahad Mustafa larger than life thoda sa Fahad acting kar le us point pe na to acha lagega kyunki aap sirf bharam ke sath entry kar rahe ho aur bharam ke sath aa rahe ho aur bharam ke sath chale ja rahe ho. यहाँ पे मैं थोड़ा सा इतना भरम नहीं होना चाहिए आपके पास. सिर्फ भरम ही चल रहा है. पूरी कास्ट एक्टिंग कर रही है. अनरियल था ये मोमेंट आपके पास. सलीम महराज इज इनटू अ कैरेक्टर राइट नाउ. नो बट दिस इज हाउ फहद्स कैरेक्टर वाज सपोज्ड टू बी द फुल भरम इन दिस शो एंड वो इट्स नॉट सपोज्ड टू हैव एनी कैरेक्टर फील और एनीथिंग. ओके आई एम गोइंग टू बाय यू द टिकट फॉर द अनदर टाइम. गो एंड वॉच द मूवी अगेन एंड दिस टाइम नोटिस हाउ ही एक्ट्स. तारीफ करके बेइज्जती करानी हो तो आप कामरान से मिलिए. जाके फिर से देखिए. लेकिन मुझे बताएं आपने बोला कि फहद गुलाब वाली बात. दो पॉइंट्स हैं मेरे इसके. एक तो ये कि हमारे यहाँ फिल्म इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. सो इवन दो आई एम अ फैन ऑफ कायदे आजम जिंदाबाद आई डेंट रिमेंबर गुलाब. ठीक है. सो एंड आई वुड से मे बी मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस ऑल्सो वुड नॉट वुड फील द सेम वे बिकॉज हमारे यहाँ कैरेक्टर यू नो रिलेटेबिलिटी या कैरेक्टर फैंडम इतना क्रिएट ही नहीं हुआ. सो ठीक है. कितनी बुरी बात है. कितनी कितनी नहीं नहीं आई एग्री कर लूं. योर पॉइंट इज वेरी वैलिड वेरी वैलिड. कर लूं बात. एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द वीक स्क्रिप्ट्स वीक कैरेक्टर्स एंड आर स्टेट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. ठीक है. एक चीज़ ये तो इसलिए इट वुडंट मेक अ डिफरेंस कि वो गुलाब को ले रहे हैं किसी को. आई एग्री. आई एग्री. दूसरी बात मैं आपसे ये कहती हूँ लेकिन इन स्टोरीज इन अ लॉट ऑफ फिल्म ना characters move from one story to another from the same creator. So on that point I feel on that point also I feel ke it doesn't make a difference ke wo you know because aapki ek story thi Qaid Azam Zindabad bhi Nabeel ki hai na to usne apne ek character ko isse utha ke dusre mein dal diya wo time ka aur uska nahi hota. They you know interchange characters in stories a lot. This is happening a lot nowadays. Yes. Ab I think film mein wo liberty leke theek hai apne hi ek story ka character dal diya. I somehow agree with but I disagree with the first bit kyunki wo jaise hi screen par aata hai wo mere liye wahi tha ki Qaid Azam Zindabad se nikal ke wo yahan aa gaya. So it's not like ki usse koi relevance nahi hai. Mujhe nahi maalum koi kyunki Fahad ko humne exactly isi usme dekha us movie mein. So but wo wahi hai ki same maker. मैं 90s के उसमें ये गुलाब पिछले या दो साल पहले की मूवी का लेकर आने वाला वाजंट वेरी ऑन टॉप ऑफ माय माइंड बट दैट कैरेक्टर वाज देयर. यू वांट टू से समथिंग कैन वी मूव ऑन अबाउट फहद मुस्तफा. नो आई एंजॉयड द कैमियो. आई डिड नॉट फील एनी डिसबिलीफ. आई एंजॉयड इट. द थिंग इज नबील
is the director, but for a lot of us, he's also the star of a movie. Nabeel Qureshi now has such a name ke main Nabeel Qureshi padke movie dekhne jaati hu. Main actors jo bhi hu, main chali jaungi. Nabeel Qureshi jab main padhti hu, to main Fahad Mustafa se automatically connect karti hu. To agar Fahad Mustafa ka cameo hai Nabeel ki movie mein, I'll enjoy it because I associate the two together since always. So two things that you think could have been improved in the movie that you really फील कि यार ये मूवी को नीचे ले गए. इट्स शॉर्टर ऑलवेज. फिल्म जितनी शॉर्ट होती है उतना अच्छा होता है. बाय हाउ मच? इट्स ऑलरेडी 1 hour 40 minutes. 20 minutes. ओह, यू थिंक 130? नहीं, 125 कर रहे हैं. आई एग्री ऑन 130 क्योंकि बीच में 10 मिनट तो कम से कम 10 मिनट का सिर्फ वो तो हेड और टेल्स की वजह से जो आप एडिट करते हैं तो थोड़ा क्रिस्प हो सकता क्रिस्प हो जाती है. दूसरी बात ये शायद एक्शन थोड़ा और होता क्योंकि ये मूवी मुझे सिनेमैटिक मूवी नहीं लगी. देखिए मैं देखूंगी बिकॉज आई एम सो इन्वेस्टेड इन टू द एक्टर्स इन टू द स्टोरी टेलिंग दैट आई सी इट इन माई कैपेसिटी एज अ क्रिटिक. आई एम मोर इन्वेस्टेड इन टू वॉचिंग अ मूवी राइट रादर दैन द रेगुलर ऑडियंस. रेगुलर ऑडियंस जाती है थोड़ा लार्जर दैन लाइफ मसाला देखने मज़ा देखने. दिस इज़ अ वेरी ह्यूमन स्टोरी. इट्स वेरी रियलिस्टिक स्टोरी. इट डजेंट हैव द काइंड ऑफ चुट्सपा दैट यू रिक्वायर फॉर सिनेमा. तो आई फील दैट देर शुड हैव बीन मोर एक्शन मे बी डेफिनेटली मोर कॉमेडी. देर वॉज सम लाफ There were some laughable points, but ज़्यादा comedy होनी चाहिए थी ताकि movie थोड़ी cinematic होती. 1000 rupees का ticket है, महंगा है. Give us more magic. True. मैं 1000 rupees की ticket के लिए agree नहीं करता. अच्छा. क्योंकि बाकी सब चीज़ें ज़्यादा महंगी हो गई हैं तो ये भी सस्ता है. लेकिन कामरान families मिल के जाती हैं ईद पे. You know, give them more. This will require an entire show, so we'll get to that later. अच्छा चलिए. क्योंकि दैट रिक्वायर्स के यू टॉक अबाउट द एंटायर स्टेट ऑफ अफेयर्स. तो इट्स गोइंग टू बी इकॉनमी की. चलिए वो तो छोड़ देंगे. तो सेकंडली व्हाट द एक्सपेंस. यस डेफिनेटली. अच्छा क्योंकि नो फॉर मी आई डोंट थिंक इट वाज फाइन क्योंकि इट्स अ डिफरेंट मूवी. में तो एक बंदा नहीं, अगर चार लोग जाने 4000 खाना लेते हैं 6-7000 का खर्चा. 6000 rupees आपके जाते हैं इजी. सही है. मगर इफ यू गो आउट एंड हैव डिनर समवेयर इजंट That dinner costing you much तो more. वो भी अगर अच्छा खाना होगा तो आप कहेंगे well worth the expense. और बुरा होगा तो इसी तरह movie अच्छी movie और exactly. तो मैं कह रहा हूँ ना same बार आ गया ना आपका. हाँ नहीं exactly. And also खाना is sometimes convenience. You don't want to cook at home. You don't have film is not giving you any convenience. It's taking away from the entertainment and you're like यार मैंने इतने पैसे spend किए मेरे तो हंसी भी नहीं आई. हाँ मैं Netflix देख लेती हूँ. That has always been a risk ना. That has been the risk since the dawn of cinema. एक जब चीज आपके पास establish हो चुकी है कि भाई ये मग्गा रखा हुआ है. तो यू कैन नॉट आर्ग्यू अगेंस्ट दिस बीइंग अ मग्गा. सही है ना. आप 1950 से लेके अभी तक जितनी फिल्में बनी है दैट इट सिनेमा हैज ऑलवेज बीन अबाउट दैट कि कोई फिल्म अच्छी होगी कोई बुरी होगी. फाइन दैट्स अ रिस्क यू टेक. ट्रू. ठीक है चलिए आप बताएं इंप्रूव क्या करते हैं आप. इट कुड बी स्निफ्ड अ लिटिल बिट. जैसे फॉर एग्जांपल इंटरमिशन का जो हाई पॉइंट था दैट वाजंट दैट हाई. वो थोड़ा सा बंगल अप करके कर रहे थे. था वैसे थोड़ा छोटा कर लेता ना. देखो दरवाजे के ऊपर अगर नॉक हो रहा है आप घर के अंदर हबड़ताबड़ हो रही कितनी देर होगी. That lingered longer. That was very long, and right that was actually a technique for me. वो आप छोटा करो. It was a big letdown, सही? And then उसके बाद फिर अच्छी बात क्या है? It ties up, so that's fine. अच्छे तरीके से हुआ, बुरे तरीके से हुआ, it ties up. That's a blessing right now. मलिया की बात के साथ मैं agree करूँगा. नबील की फिल्म, एक नबील is a brand. नबील has gotten better by film per film. Definitely. एक के अंदर एक नया भंड करता है वो कवर कर लेता है. दूसरे में आता है नया भंड करता है कवर कर लेता है. अब इस पॉइंट के ऊपर आ गया भंड कम कर रहा है विच इज़ हैट्स ऑफ टू नबील. तो अदर देन थोड़ा सा एडिटोरियली स्निप आउट कर दी जाती है. आई फाइंड इट रिफ्रेशिंग. एक इस टाइप की स्टोरी आपके पास आ नहीं रही. आपके पास कोई लीड फीमेल नहीं है क्योंकि नॉट ऑल स्टोरीज नीड दैट लीड फीमेल कैरेक्टर. दो भाई लगे हुए हैं. They getting into one mess after the other. That is good. That's a good premise. तो आपके पास you ask, we constantly ask कि पाकिस्तानी सिनेमा में कुछ हम अलग क्यों नहीं कर रहा. अलग करके तो लाया बंदा. तीन मूवीज, तीन रॉन्ची मूवीज 2000s के अंदर तो लाइन से आई थी. एक पूरा एरा आपके पास आया. अभी भी नेटफ्लिक्स पे आप तीन मूवीज आ या इस तीन रॉन्ची मूवीज बहुत सारी आती थी. अच्छा अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें रॉन्चीनेस नहीं है. For a story that has two youngsters going out and watching an adult movie, there's no raunchiness. You're right. It's a family entertainer. It's a family entertainer. And especially with a positive message at the very end. You don't need to watch an adult film to grow up.
that's a master. But you have to lie to get out of the whole situation. That's how these two characters were. These two characters, jo dono mazak kar rahe hain. So there was no journey in the characters. No, for these small, and yes, there was a journey. Because at the end, they realize they don't need to watch it. That's their growth, right? To get to that, they might have to stumble through everything. एक के बाद एक point के ऊपर एक कर रहा हूँ. अच्छा, अच्छी बात ये है कि रॉन्चीनेस नहीं थी, पॉजिटिव मैसेज भी था, आपके पास अच्छी परफॉर्मेंसेज भी आई, तो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक मेक्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ द मूवी. व्हेन यू से, सॉरी कट कर रही हूं, रॉन्चीनेस, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन? ल्यूविड, घटिया, डर्टी जोक्स, चीप जोक्स बेसिकली. अच्छा, सो अभी मुझे एक छोटा सा मिसकंसेप्शन भी था जो मेरे शायद रिव्यू के अंदर भी था, कि आशर हैड टोल्ड मी दिस पर्टिकुलर स्टोरी अ कपल ऑफ मंथ्स बैक, बिफोर लाइक आई थिंक 4 to 5 मंथ्स बैक. तो आई हैड रिजर्वेशंस कि यार ये कहानी के अंदर तो इट्स गोइंग टू गो बैड, देर आर 1000 वेज दैट इट कैन गो रियली 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 बैड. बट देन आई फाउंड आउट के, और अभी आशा ने कुछ दिन पहले ही मुझे क्लियर करा कि दैट वाज अनदर स्टोरी बाय अनदर राइटर. सो आई एम हैप्पी दैट वर्जन डिडंट गेट मेड. दिस थिंग इज फार बेटर. दे गॉट डिफरेंट प्रोजेक्ट था. हां, एग्जैक्टली. सो दिस इज फार बेटर. आई थिंक ऐसी फिल्म्स भी आपके पास आए ना, यू शुड हैव एक जो बैलेंस स्लेट ऑफ मूवीज होती है ना, हाई ऑक्टेन, हाई कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑल्सो हाई कॉन्सेप्ट बाय द वे, सही, एंड डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट स्टार कास्ट, सही, हर एक को इक्वल फुटिंग आपको मिलने की कोशिश, अच्छी आपके पास सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हों, इट गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंट फ्लेवर टू सिनेमा. आई थिंक इफ एनी थिंग ना, दैट्स अ मेजर प्लस. तो दैट्स व्हाई मेरी तो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड मूवी है. नहीं कामना, लेकिन आपको नहीं लगता, अच्छा पहले बुराक बताइए, आपको नहीं लगता कि अब कुछ मूवीज ओटीटी मूवीज की फील देती है? मुझे लगता है बहुत सी मूवीज अब मैं देखती हूँ, कहती हूँ यार ये ओटीटी पे मैं ज्यादा एंजॉय करूंगी, और ये लार्जर देन लाइफ सिनेमैटिक मूवीज है. अच्छा, हमारी ये परसेप्शन बन गई. हाँ, बन गई है बिल्कुल. हमारी ये बहुत गलत परसेप्शन बन गई, क्योंकि जब आपके पास एंड ऑफ द ईयर अवार्ड सीजन आता है, दुनिया भर के अंदर फेस्टिवल मूवीज आती है. परफेक्ट डेज के नाम से एक जापानीज मूवी आई थी, ऑस्कर के लाइनअप के अंदर थी, इट वाज ऑन द इंटरनेशनल ऑस्कर के नॉमिनेशन के अंदर. दैट्स एज परफेक्ट एज अ फिल्म कैन बी. वेरी फ्यू डायलॉग्स, अ मैन जो टॉयलेट्स की सफाई करता है जापान के अंदर, सही, म्यूनसिपल, वहाँ के म्यूनसिपैलिटी का बंदा, ये साफ सफाई करता रहता है, एंड दैट्स इट. ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग, गोज थ्रू इट रूटीन, हिज रूटीन्स, ही लाइक्स टू रीड, ही इट्स नॉट लाइक वो जो जाहिल आदमी है, वो अच्छा कैरेक्टर है, एंड यू फॉलो दैट थिंग विद हिम. सो वुड यू कॉल दैट अनसिनेमैटिक? नो, इट वाज शॉट लाइक अ ग्रेट मूवी. इट हैड गुड कैरेक्टर डेवलपमेंट, ऑल्दो दैट कैरेक्टर स्पोक वेरी लिटिल, यू कुड सी द प्रोग्रेशन, यू कुड सी द कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट, एंड येट इट कुड डिडंट हैव टू बी एक्शन ओरिएंटेड. कोई बड़ा एक्शन थे, ये कॉन्फ्लिक्ट्स अच्छे थे, पुख्ता थे, कहानी की फिटिंग पे थे, वो सिनेमा के थे, वो सिनेमा के थे. तो इसका मतलब है कि यू कैन मेक anything for cinema. So आप इस statement से agree नहीं करते? No. Okay. दूसरी तरफ ये conversations भी तो कर रहे हैं ना कि Netflix पे इतनी किस्म का diverse content मौजूद है, post COVID specially जिस तरह बढ़ा है रुझान, तो पाकिस्तानी writers and creators you need to pace up कि भाई हर चीज़ पे access है, तो ये movies ऐसी क्यों बना रहे हैं जो जाके देख रहे हैं हम और मज़ा भी ना आए. So खैर, रिपीट मैं आई थिंक कुछ भी नहीं करना चाहूँगी जो मैं ऑलरेडी अग्री करती हूँ. देर इज़ नथिंग स्पेसिफिकली दैट आई डिसअग्री विद. मैं इम्प्रूवमेंट या रूम फॉर इम्प्रूवमेंट नहीं, बट आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट टू थिंग्स हियर. एक चीज़ ये कि यूथ के लिए फिल्म बनाने वाली, आपने बात की नबील और फिज़ा से भी जब बात हुई इंटरव्यू में, सो दे मेंशन के उनके लिए मतलब वो 90s को एज अ पीरियड या कोई एरा रेफर करते हैं, तो अब हम एक पीरियड हो गए हैं तो हम उसको लेकर आए स्क्रीन पर, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरीज एंड स्टफ. सो हमने रिलेट किया बिकॉज वी हैव लिव्ड दैट टाइम, लिव्ड थ्रू दैट टाइम एज वेल. आई एम नॉट श्योर के यूथ जो एक्चुअल आज की यूथ है, जो आज का टीनेजर है, उसको कैसी लगती है मूवी, इन द सेंस के रिलेटिबिलिटी फैक्टर तो नहीं होगा उनके लिए, लेकिन उनके लिए अमेजमेंट है कि ऐसा भी कोई ज़माना होता था, या कोई फजूल सी चीज़ है दैट वी डोंट रियली केयर कैसा होता था. इवन इंटरव्यू में जब वैसे ही आशय उनसे मैं पूछ रही थी कि मूवी के सेट पे और वैसे जो आपके लाइफ है, क्योंकि दे आर नॉट 90s टीनेजर किड्स, दे वर लाइक हर आज का ज़माना ठीक है. सो ठीक है, ऑब्वियसली उनको वापस नहीं दे रहा हम 90s का. सो आई एम नॉट श्योर इफ दैट टारगेट ऑडियंस या यूथ वाला जो ब्रैकेट है उनको, क्योंकि हम नहीं इस वक्त कॉमेंट कर सकते उस चीज़ पर. आई थिंक दूसरी चीज़ जो फैमिली मूवी वाली आपने बात की, और शायद आई थिंक इंटरव्यूज के दौरान भी ये वर्ड यूज़ किया कास्ट ने या क्रू ने कि फैमिली इंटरटेनर एंड एवरीथिंग, मैंने सोचा नहीं इस बारे में अंटिल व्हेन आई पोस्टेड ऑन माय सोशल मीडिया अबाउट दिस, अपना इंटरव्यू या प्रीमियर की रिपोर्ट या कुछ. सो समवन कमेंटेड एंड आस्क्ड के डू यू थिंक के
one can take their 13-year-old daughter and watch this movie. Yes, they can. So मैंने मैंने सोचा a few seconds. I thought वो recommendation के लिए पूछ रहे हैं कि कैसी लगी या क्या था. तो मैंने लिखा not really. जब मैंने recall की फिल्म अपने ज़हन में. Really? और उनका फिर नीचे comment था. उनका फिर नीचे comment था कि I took my 13-year-old daughter and I was so embarrassed. अच्छा भाई वॉज नॉट देयर टू डिफेंड द मूवी नाइदर सपोर्ट द नाइदर गो मतलब से एनीथिंग अगेंस्ट इट बट दैट मेड मी थिंक एक्चुअली के 13-year-old डॉटर के साथ वो गए थे तो शायद हाँ एक ऐसे एज ब्रैकेट के बच्चे या स्पेशली बच्चियाँ मुझे ये भी लगता है कि कुछ बॉयज़ से भी ज़्यादा रिलेटेबल एलिमेंट होगा कम्पेयर टू अ फीमेल हु ग्रू अप इन द 90s कि उनको शायद दैट माइट लीव विद सम क्यूरियोसिटी एंड दे एक्चुअली वांट टू इंडल्ज इन दैट रिसर्च के व्हाट वाज गोइंग ऑन इन दैट मूवी एंड देन वुड टेक देयर माइंड टू दैट वो तो मुझे वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क मेरे जहन में आया कि क्या हम वाकई इसको इंडोर्स कर सकते हैं एज अ फैमिली मूवी और मे बी विद द किड्स बिट जो हम बात करते हैं Maybe 13 is too young. Maybe. So I think so it's a question mark. I would say. सबसे बड़ा हमारे पास ये 13 वाली बात के साथ मैं करता हूँ कि देखिए बंदे ने बिल्कुल सही सवाल पूछा था. आपकी फिल्म के साथ सेंसिटिविटी की रेटिंग क्या है? U. हाँ. Universal. सही. Now there's nothing raunchy in it. There's nothing dirty in it. There's no क्या कहते हैं element on the screen that would you that where you would किसके बच्चे की आँख के ऊपर हाथ रख देंगे यार. You don't watch this ना. That actually happened. सही. On a film. और दैट फिल्म वॉज क्वाइट फन. सात दिन मोहब्बत इनके नाम से एक मूवी आई थी okay. और उसके अंदर एक जो डांस नंबर आता है आपके पास तो एक साहब मेरे बाजू में बैठे हुए थे डॉन के एम्प्लॉई थे वो और उनके पास इनका छोटा सा बच्चा था तो जैसे वो डांस नंबर आता है वो इनके बच्चे के आँख में हाथ रखता है आँख पे हाथ रख दो और फिर बच्चे ने थोड़ी देर यूँ कर दिया तो आपके पास नाउ यू हैव उस फिल्म में तो कुछ ऐसा नहीं येट देर वर एलिमेंट्स इन दैट मूवी देर आर आयरा के नाम से भी मूवी आई यूनिवर्सल सर्टिफिकेट मिल गया सही उसका गाना एक आप गूगल कर लेंगे अभी मिल भी जाएगा हुस्ना के नाम से सही उसको देखने के बाद मेरी मेरा दिल कर रहा था मैं आँखों के ऊपर हाथ रख लूँ तो दैट हैड अ यू सर्टिफिकेट सही गिवन द थीम ऑफ द मूवी सही आई थिंक दे हैंडल इट प्रिटी वेल आजकल के बच्चे 13 साल से पहले भी बिगड़ रहे हैं तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स एंड हाउ दे गवर्न द हाउस होल्ड कितना वो बच्चे को छूट देते हैं कितना बच्चा सोशल मीडिया के थ्रू कर लेता है आपको पता भी नहीं आजकल चलता कि बच्चा कब कहाँ कैसे निकल जाता है तो दैट्स अ टोटली सेपरेट डिबेट बट आई थिंक फॉर वट एवर इट इस टाइप की टीन मूवीज आर ऑलवेज रॉन्चियर दे आर ऑलवेज मोर लूड स्पेशली जब ये प्रेमिस है कि जी एडल्ट मूवी देख रहे हैं इसको तो लेके इतने साल की बच्ची जो या लड़का जो 10 साल पहले था और जो अब है उसकी मेच्योरिटी में ज़मीन आसमान का फर्क है ये एक गिवन फैक्ट है इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता ठीक है तो यस बट वॉचिंग समथिंग विद योर पेरेंट्स एंड लिसनिंग टू दैट वो रिप्रोडक्शन का समथिंग कैन बी अ लिटिल ऑकवर्ड तो मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ फिल्म की रेटिंग बढ़ा देते ना हाँ बढ़ा देते PG-13 कर लेते दैट वुड बी समथिंग दैट नीड्स टू बी although I don't think anybody is really bothered but going forward maybe something ki aap apne own pe dekh le shayad kuch cheeze maa baap ya family ke sath baith ke dekhna is uncomfortable so even though usme nahi tha but wo dekhna ek sath could have been वैसे इस मूवी के ट्रेलर में आपको पता चल जाता है कि थोड़ी सी ऐसी बात है ये बात भी मैं एग्री करती हूं करने वाला था देखें आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सी फिल्म कैसी आ रही है एक्शन आ रही है कॉमेडी आ रही है या थ्रिलर है किस किस्म के मजा आ रहा है और आप थोड़ा सा पूछ भी लें आसपास के आगे बढ़ेंगे तो उम्र यार को लेके बिल्कुल इससे कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं कहेंगे खैर बिल्कुल ऑपोजिट उसमें वो है कि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी फैमिलीज और शायद यही वजह हो उस फिल्म के इतने बिजनेस का भी क्योंकि ईद है ईद का मौका है फेस्टिव वो है नबील की मूवीज और बेहतर से बेहतर होती जा रही है एक्टिंग तो बहुत ही So you're also recommending it. But I recommend Umro Ayyar more because I feel it's more cinematic. Okay. But on to the next cinema movie. Experience. Okay, we have to move on. So I'll give my bit and then we move on to the next movie. Yes. Okay. Jab movie aayi thi, I was very excited because as we are all fans of Nabeel and Fizza and we all always think ke bahut aur Jin Mahal jo last aaya tha. Amazing. I loved it. So and again
it is nothing to take away from the movie, but I feel that now we cannot be okay with something that is okay. Something that is, that could have been so much more. So for me, Nabalig Afraad was a lost opportunity. When you said it was OTT, I kind of agree with you, because I felt if they could have some nice song, some more action, that could ek gana bhi ho sakta tha yaar, kyun nahi ho sakta, Aashir and Sabar dono gaate hain. Ab the film was made in few days. Sorry, it's not my issue ki aapne film ko kam dinon mein bana ke banane ka socha. Aap present karein, give me a full package. So mujhe in cheezon pe disappointment hui, and I went with high expectations, because नाम है तो मैं क्यों नहीं एक्सपेक्ट करूं, मैं क्यों कम एक्सपेक्ट करूं. मुझे लगा, मैंने आशिर और समर दोनों की परफॉर्मेंसेस देखी हैं. आई फेल्ट सैड दैट बिकॉज आई थॉट दे वर नॉट यूटिलाइज्ड टू देयर फुल पोटेंशियल. अगर आप जॉन देखें और अगर आप समर का काम टीवी पे भी देखें, आई मीन इन द कैरेक्टर्स हैड नो लाइफ. डिड यू, कुड यू रिलेट टू फखर, मजहर? कैन यू से 2-3 थिंग्स? कैन यू पॉइंट आउट फ्यू थिंग्स? अब अगर मैं उसकी कंपेरिजन करूँ कोटा फैक्ट्री, विच इज नेटफ्लिक्स का एक प्रोजेक्ट है, द ईच एंड एवरी कैरेक्टर आई कैन टेल यू कि उसमें क्या ये है, क्या है. वो तीन कैरेक्टर्स, वो लड़के, वो टीचर, किस तरीके से, इट्स ऑल्सो अ टीन, यू नो, यंग एडल्ट मूवी सीरीज. बट यहाँ पे मज़हर फ़खर में कोई जान ही नहीं थी. मज़हर फ़खर कौन थे? मैं आज अभी तक मज़हर फ़खर को ना समझ सकी हूँ, ना रिलेट कर सकी हूँ. डिस्टिंक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या थे? दे वर जस्ट सो मे, यू नो. एंड द मूवी, आई डिडंट फाइंड मेनी सीन्स टू बी लाफिंग. आई वॉन्टेड टू जस्ट कह के मार के हंसू, एंड इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कुड हैव डन दैट. बट एक दो सीन्स थे या तीन चार सीन्स थे जिसमें मैं बस हंसी हल्का सा, यू नो, कहकर वाले नहीं थे, वाले होने चाहिए थे. हम क्यों नहीं कर सकते? ना टेक के अंदर नहीं है सब. नहीं, थोड़ा सा तो हंसे होंगे. एंड देन फॉर मी द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वाज दैट किसी हम लोग हल्की सी आ गई होगी, शायद हल्की सी आ गई होगी. आह, मुस्कुरा, समथिंग, यस, स्माइल, नॉट लाफ्टर. रिलेटेबिलिटी बहुत मुझे लगा कि शुरू में हंसी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता. एंड अगेन द क्वेश्चन वाज कि ठीक है, आपको वो सिनेमा पे वो फिल्म वाली चीज करनी थी एडल्ट मूवी के, और उस पे वो कैसेट एंड वीसीआर का. बट अगेन वही बात जो हम कह रहे हैं कि क्या आज का 18 और 20 साल का लड़का या लड़की जाके उस सबसे इतना रिलेट कर सकता है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है. जब आप कंटेंट बना रहे हो तो यू हैव टू कीप इन माइंड, दुनिया इधर से इधर चली गई है, you know? अच्छा, और आप कंपेयर करें जिन महल का नाम है, जिन महल वाज एक्चुअली फनी, इट वाज सिचुएशनल कॉमेडी, सो गुड, सो वी नीडेड मोर कॉमेडी हियर. सिचुएशनल कॉमेडी, इट वाज सपोज्ड टू बी कॉमेडी, ना? तो आपको हंसी नहीं आ रही. एंड देन फॉर मी, मुझे मज़हर फ़खर की कोई जर्नी नज़र नहीं आई. एंड द प्रेमिस के आपको माँ बाप से ये नहीं करना चाहिए, वो एक्चुअली झूठ बोलते हैं पुलिस वालों से, और वो झूठ बोल के ही अपनी चीज़ को करवाते हैं सारा कुछ. तो जो आपका पूरा मैसेज था, द एंडिंग वेंट अगेंस्ट इट, ऑल ऑफ इट. तो फॉर मी टेक्निकली दैट वॉज स्क्रिप्ट में एक बड़ा इशू था, कि कुछ तो वो, यू नो, चेंज दिखाते, कुछ तो वो उनका, ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हमें वो देखने की जरूरत नहीं है. अगेन ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बुलिंग थी, मुझे लगता है वो और थोड़ा ज़रा, मुझे बुलिंग भी बिल्कुल बेबी बुलिंग लगी, यू नो, ये लाइक दिस इज नॉट फन, लाइक मेक मी फील फॉर द कैरेक्टर्स. आई एम नॉट फीलिंग फॉर द कैरेक्टर्स. आई डोंट फील कि उन बेचारों के साथ बुरा हो रहा है. लाइक कुछ भी नहीं हुआ, वी ऑल फेस बुलिंग और हर्ट किससे. तो यार उस तरह की चीज़ आप लेकर आते हैं ना कैरेक्टर. अच्छा, मुझे बात देखिए, आई अग्री ऑन दिस पॉइंट एज वेल, क्योंकि हम सर्फेस लेवल कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं लिखते, सही है ना? एंड आई पॉइंट दिस आउट इन द रिव्यू एज वेल, कि दीज आर सर्फेस लेवल कैरेक्टर्स. आपने कैरेक्टर को एक ट्रेट दे दिया. फ्रॉम द फर्स्ट सीन टिल 3/4 ऑफ द मूवी, मज़हर फ़खर दोनों के दोनों कैरेक्टर्स, दोनों भाई, जो इनका 10 महीने का गैप है बाय द वे, सही है? तो आई वॉज जस्ट कन्फ्यूज, क्या रही इतने करीब एज में क्यों है? Are the cousins? You don't point that out, na? Until later in the movie. Until much later. Much yes. Later. So yes. You are like questioning के अच्छा वो उसके भाई का तो नहीं है कहाँ से? But whatever it is, ये characters पहले scene से establish कर रहे हैं. They are a little sly. They are a little conniving, na? So I believe that. क्योंकि constantly ये घर वालों को भी टोपी पहना रहे हैं. ये character तो भोला भाला था. इतना नहीं, वो शुरुआत से थोड़ा से होते हैं. देखिए, बॉयज चाहे कितना भी अब आई डोंट वांट टू यूज दैट टर्म, सही है, तेज क्यों ना हो, सही, एक 12-13 साल के मेरे छोटे कजन्स भी थे, सही, वो एक ग्रोथ इनकी ना एक लिमिटेड होती है. यू डोंट एक्सपेक्ट दोज कैरेक्टर्स टू बी दैट मोर वेल डिफाइंड जो आप 20s, 30s, 40s में हो जाते हैं. आपने उनको दबा हुआ रखने, उसमें भी डेफिनेशन हो सकती है. नो डेफिनेशन सही थी. आई एम सेइंग कि इससे ज्यादा और डीपर हो सकती थी. बट राइट नाउ कंपेयर दिस, एटलीस्ट दीज कैरेक्टर्स हैड ट्रेट्स टू फॉल बैक ऑन, सही, दे वुड व्हिच ट्रेट्स डिड दे हैव टू फॉल बैक ऑन, सही.
ये पहले से ही डेढ़ होशियारी कर रहे थे कि ओके सही किसी तरीके से कहीं से पैसा जमा हो जाए, ये कर दे, घर की चीज़ें बेच दें, सही है, घर वालों को नहीं पता था, सही, घर वालों को नहीं पता था, घर का सामान बेच दिया, सही, उसके बाद फिर जाके पेपर के अंदर काम कर लिया, फिर अब कज़न को ऐड कर लिया यहाँ से कि इसकी ज्वेलरी यहाँ से कर लें, देयर स्लाई ऑल ओवर थ्रू आउट, दे कनकॉट दी स्मॉल स्कीम्स ऑफ देयर्स ना. आदि के कैरेक्टर के पास इतनी अकल नहीं थी टू कनकॉट स्कीम्स, सही, कोई तीसरा कैरेक्टर नहीं था, तो कॉन्स्टेंटली जो स्कीम्स जो कनकॉट कर रहे हैं वो यही दो कैरेक्टर्स कर रहे हैं, तो दैट ट्रेट इज देयर, सही है. बस इससे ज़्यादा डीपर तो अगर होता ना पाकिस्तानी सिनेमा तो हम कहीं और खड़े होते इस पॉइंट, तो होना चाहिए ना. हम सब तक इस बात को एक्सेप्ट करते रहे कि ये नहीं था, ये मिल गया तो इस पर खुश हो जाओ, एक बात ये. दूसरी बात ये कि 90s के किड्स, इवन द वंस हु डिड नॉट हैव एक्सपोजर वर more defined than these two characters, I feel. It's unfair to say कि 90 का एक बच्चा ऐसा होता था. I don't think so. The street smartness that you had at that point in time, because हालात ऐसे थे, वो आज तो बच्चों को तो आप protect करके रखते हैं, वो तो होता ही नहीं है. So again, आपके वहाँ भी premise मुझे लगा कि थोड़ा सा issue. Definitely, it could be that your family has protected you and you have not watched adult films or you do not know about the subject. But you cannot be this way in all aspects of life, you know. कि ये चीज़ें कि वो पैसे जमा करने के लिए रद्दी से बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ इससे पैसे आ गए. मुझे काफ़ी लगा कि सबसे बड़ा issue ये लगा था कि वो 1,000 रुपये की कैसेट के लिए कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगाता था, क्योंकि आई हैव ग्रोन अप इन द 90s, तो हमें पता 1,000 रुपये नहीं होते थे. खैर, एनीवेज, तो 1,000 वाज एक्चुअली अ लॉट, अ लॉट, बट 1,000 आप लोग शुरू करेंगे, मैं आखिर में आता हूँ. जी अच्छा, why did you love Umruya? Why did I did not love it. अच्छा, sorry, tell me one thing. The critics are loving it, but the audiences seem to not love it. Is that true? Which movie? Umruyar. No, the critics are saying it is the better among the three. Love is a very difficult word to use here because there were flaws in all three. But you and me who are saying it's best. I enjoyed it. Among the three. I enjoyed it more than the other two. एक तो आई लाइक्ड अ लॉट ऑफ द स्पेशल इफेक्ट्स. कहाँ कहीं कहीं था गड़बड़ और कामरान को शायद ज़्यादा पता हो बिकॉज ही सो टेक सैवी, बट मुझे भी फ्रॉम माय लेमन्स व्यू, हाँ, टेक सैवी का बोझ आप पर है, लेकिन मुझे कहीं कहीं बहुत अच्छे लगे स्पेशल इफेक्ट्स. मुझे स्टोरी के कुछ पार्ट्स बहुत अच्छे लगे, यू नो, कि कैसे वो प्रोफेसर होता है, बिल्कुल जैसे होता है ना हीरो मूवीज़ में कि एक प्रोफेसर है, उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसकी ये सुपर हीरो एबिलिटीज़ हैं और वो आती हैं. आई लाइक्ड दैट. आई लाइक द विलन. आई लाइक्ड फरहान ताहिर एज़ द विलन एंड आई जस्ट जनरली फाउंड इट मोर इन्जॉयबल, यू नो, कि बहुत फ्लॉज थे. देखिए मैं तो वेट कर, मैं फ्लॉज पे आऊँ, पॉजिटिव पे आऊँ, इंडिया पे लगा चुके, इसको हमें जल्दी करना, लेकिन मजे, इट वाज फन, इट वाज अ फन वॉच ओवरऑल. आई लाइक्ड इट एक्सेप्ट समटाइम्स. ओके, व्हाट अबाउट यू बुरा, प्लीज कैसे रिव्यू करें? मैं आ रहा हूँ, देखो मैं आऊँगा पूरा डिटेल हो जाएगी, तो प्लीज बुरा. एक चीज़ जो ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट है, अब नबील की बात की कि ब्रांड का नाम होता है या बंदे का नाम देख के हम एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन मैं जब पाकिस्तानी मूवीज़ देखती हूँ तो मुझे लगता है बहुत ही कोई नीचे मेरी एक्सपेक्टेशंस लेके जाती हूँ, तो जितनी बुरी होती हैं उससे थोड़ी बेहतर निकल आती है. आई थिंक आई एम अ फूल एवरी टाइम आई गो विद एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, मैं बिल्कुल बिलो उसमें लेके जाती हूँ, और पता नहीं क्यों उम्र यार को मैंने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया था ऑल दिस वाइल. एंड अच्छा, ठीक है, सही है, मूवी आ रही है. आई मीन इट्स नॉट अबाउट द पीपल एंड एनी थिंग, बट उम्र यार आ रही है, ठीक है, अच्छा, मतलब मैंने नहीं, पाकिस्तान की पहली सुपर हीरो मूवी जैसे यू नो बीन टाउटेड एज वन, तो मैंने ज़्यादा उम्मीद ही नहीं की थी पाकिस्तान में ऐसी किस मूवी में क्या होगा. सो वो एक्सपेक्टेशन में मुझे लगता है कि उससे तो बेहतर ही निकली. ठीक है, मतलब वो अबव एवरेज वाला अगर आप कह रहे हैं मेरी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि इतनी लो थी ओवरऑल जो मैं बैठी रही थ्रू आउट. ऑब्वियसली जितना मूवी आई थिंक 125 मिनट्स की है, तो मुझे मज़ा आया देखने में, बट फन एज सच कोई एलिमेंट ऑफ फन तो मैं नहीं कहूँगी, बट मुझे अच्छा लगा देखना. मतलब कि होता है ना कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया, ये क्या बोल रही है, मतलब एक देख के पूरा टाइम थ्रू आउट द वो इट वाज गुड एक्सपीरियंस. मुझे फरहान ताहिर और अली काजमी बहुत अच्छे लगे. सही है, दोनों का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर भी है, लेकिन मुझे समहाउ उनकी जितनी भी प्रेजेंस थी वो बहुत अच्छी लगी. उस्मान को लेके अभी फ्लॉ तो नहीं, बट उस्मान को लेके लोग कह रहे हैं कि मे बी हीरो की चॉइस या मेन लीड की चॉइस कोई और हो सकता था, कोई बड़ा नाम और बड़ा नाम हो सकता था जो मूवी को हेल्प करता है एंड एवरीथिंग. उस्मान का जो एक वो वाला डिमीनर, कभी कभी हम टीवी ड्रामों में भी, और वैसे ऑब्वियसली रियल लाइफ में तो नहीं है, ना ही मैं जानती हूँ ऐसा उस तरह से उन्हें, वो जो क्लूलेस वाला एलिमेंट होता है ना, कि पता ही नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, वो जो एक्सप्रेशंस जो एट टाइम्स ब्लैंक लग रहा होता है चेहरा, लेकिन वो एक क्लूलेस आदमी का जो चेहरा होता है, उनके एक दो ड्रामों में भी मैंने ऐसा नोट किया है. सो मुझे लग रहा है कि उस्मान मुख्तार उसमें उस तरह फिट हो रहे थे कि अच्छा एकदम से उनकी जिंदगी में क्या हो गया. वो शुरू के कुछ बिट्स मुझे अच्छे लगे, जिसमें ये जो प्रोफेसर से ये वाली जो जर्नी थी,
बाकी प्रोडक्शन एंड विजुअल इफेक्ट्स मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छे लगे. अब वही बात है कि हम पाकिस्तानी मूवी बोल के ऑलरेडी अपना वो गिरा देते हैं एज इन एक्सपेक्टेशन या जो भी, बट हर तरह से मतलब बहुत सारे लेवल्स पे इट वाज वेरी गुड. वरना वो जो होता है ना कि ये हॉरर और ये सुपर हीरो के नाम पे जो जो पाकिस्तान में रिलीज होता है दैट टर्न्स आउट टू बी द बिगेस्ट कॉमेडी एवर. सो ऐसा नहीं था इस मूवी के साथ. सो आई थिंक दैट वाज वन मेजर बिग प्लस. और अभी जैसे हमने पिछली मूवी के हवाले से वाली बात की थी तो आई वुड रियली लाइक टू हाईलाइट दिस थिंग कि जो फैमिली मूवी की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, या ईद के हवाले से कि ईद पे एक तफरी के लिए आप निकल रहे हैं पाकिस्तान में, कराची में हम एंटरटेनमेंट ऑप्शंस क्या हैं, फूड है, सिनेमा है, व्हाट एल्स डू वी हैव. सो अगर वो फैमिली को लेके गए तो मैं जब देखने गई थी ईद के आई थिंक अ वीक आफ्टर ईद, तब भी रिव्यूज ऑनलाइन या ओवरऑल देख के कि बच्चे इसको ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज आर हैप्पी कि देर इज समथिंग दे कैन टेक देयर किड्स टू फॉर एन एक्सपीरियंस. और वो बड़ा इंगेज भी हो रहे थे जिस वक्त एटलीस्ट मैं बैठी हुई थी, इर्द गिर्द जो फैमिलीज थी, हंसी भी उनको बड़ी आ रही थी. ऑब्वियसली मुझे नहीं आ रही थी, लेकिन अगर उनको वो कर रही है तो दिस इज अ गुड थिंग कि आप फैमिली इंटरटेनर या मूवी का जो एक वजह थे. लेकिन नहीं, मैं इतना गौर भी नहीं कर रही थी बच्चों को, लेकिन नहीं ऐसा नहीं था, बट वो हंसी आती थी या जब कोई कमेंट आता था किसी बच्चे का कि अरे इसको क्या हो गया. अच्छा, उसमें कॉमिक मोमेंट बड़े कुछ एब्रप्ट तो नहीं बोलना चाहिए, एकदम से कोई ऐसा वन लाइनर आ जाता था उमरो यार में जिसमें कभी कभी यू बी लाइक आई थिंक लास्ट कुछ एंड के मिनट में उस्मान का कोई एक था कि अभी उसमें बच्चा एक बड़ा जोर से हंसा जब वो कहते हैं प्लान किया तो प्लान तो मेरे पास नहीं है. हाँ, तो बच्चा बहुत जोर से हंसा तो मुझे हुआ कि मतलब अगर एक बेसिक लेवल ऑफ कॉमेडी है जो बच्चे को एंजॉय कर रहा है और फैमिलीज आर हैप्पी दैट देयर किड्स आर एंजॉयिंग समथिंग, तो मुझे ये बात अच्छी लगी. जी कामरान. ओके, आई थिंक आई विल जस्ट नाउ वी सिट बैक एंड रिलैक्स. यस, जिस जॉनर के ऊपर आप कर रहे हो आई डोंट काउंट इट एज अ सुपर हीरो मूवी, देयर इज नो हार्म और देयर इज नो माइनस टू इट के व्हेन यू से के इट्स अ फैंटेसी हाई ऑक्टेन फैंटेसी मूवी, आप कहो इसको नो इश्यूज एट ऑल, दैट्स अनदर प्लस. Third plus is this. Superhero, it is a fantasy movie. It's a fantasy movie. It's given. People say it's a, so I'm surprised कि हर दूसरा बंदा इसमें superhero कह रहा है. नहीं सिर्फ superhero movie. Superhero तो आता ही इतनी देर में है कि आप कहते हैं कि कहाँ गया superhero? नहीं okay. Right? Captain America में पहले दिन से थोड़ी Captain America बन गया था. लेकिन hero journey से तो पहले आ गया. Journey थी ना पहले. हाँ, this is an origin. It's an origin. It's an original. Yeah. So the thing is कि fine, it's an origin thing. सही. अभी प्लस के ऊपर आ जाओ ना, क्योंकि ऑरिजिन थिंग माइनस के ऊपर जाएगा. माइनस पे बात करें, छोड़ें. नहीं, प्लस के अंदर विजुअल इफेक्ट्स बहुत अच्छे. सही. अग्रीड, बहुत अच्छे. मगर व्हेन यू हैव अ फिल्म दैट्स अ फैंटेसी हाई ऑक्टेन एक्शनर, आपका बेस लाइन आपके पास है कि यू नीड गुड स्पेशल इफेक्ट्स, यू नीड गुड एक्शन. सही. यू आर काउंटिंग इट एज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्शन, तो दैट मच इज अ गिवन. आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के ऊपर यू गिव फिल्म द पैट ऑन द बैक पे, तुमने अच्छा काम कर लिया. सही. अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट को फंबल करते तो फिर तो लानत ही है आपके ऊपर. मगर आपने वो बेसिक ओके टोटल विजुअल इफेक्ट्स क्या है इसके अंदर. सही. ग्रीन स्क्रीन रिप्लेसमेंट है, सेट एक्सटेंशन है. सही. जहाँ ग्रीन स्क्रीन के ऊपर वो पीछे के इधर बैकग्राउंड आपके एक्सटेंड करेगा. सही. अच्छा, देन वायर वर्क रिमूवल है. सही. इसके अलावा सिमुलेशंस कहलाती हैं. सही. जो वॉल्यूमेट्रिक सिमुलेशन, स्पेशली धूप, फायर, फॉग. सही. दीज आर वॉल्यूमेट्रिक सिमुलेशंस. दीज थिंग्स आर सो इजी टू डू इन दिस डे एंड एज की यूट्यूब पे बच्चे कर रहे होते हैं. इन पाकिस्तान बच्चे दुनिया के अंदर बच्चे ही होते हैं. हम लोग अभी कौन से आर वी लिविंग इन अ गार समवेयर? नो, बट इन सम वेज वी आर लिविंग इन अ गार. डू वी नॉट हैव अ 4G कनेक्शन? वी डू. ओके, सो डू वी नॉट सी, देन व्हाई आर वी नॉट सीइंग दिस काइंड ऑफ मोर वर्क इन अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो, इन आवर एड्स, इन आवर, व्हाई आर वी नॉट सीइंग गुड मूवीज इन द लास्ट 10 इयर्स? That's the basic thing. Because we don't want to make good movies. Again, that's the thing. Sahi? Approach. आपके पास यशराज की फिल्में इंडिया के अंदर आती हैं. मुझे इंडिया का एग्जांपल देने में बहुत तकलीफ होती है, मगर लेट्स टेक इट. राइट. यशराज की फिल्में क्या होती हैं? रोमांस, व्हाट नॉट. करण जौहर की भी यही होती हैं. राइट.
दे मेक दोज टाइप ऑफ मूवी दैट दे वॉन्ट राइट. ब्रांड बना हुआ है फाइन, आपका नदीम बेग का भी बना हुआ है. दैट डज नॉट मीन कि दे डोंट गो आउट एंड डू धूम्स वंस इन अ व्हाइल, सही है. मगर एट द सेम टाइम आपके पास ब्रह्मास्त्र भी आती है. ब्रह्मास्त्र मैंने भी कुछ दिन पहले ही देखी है एंड समवन रिकमेंडेड कि यार उमरो यार एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पैरेलल इन दैट ना, तो एंड देयर वाज दैट. मगर आई विल नॉट पुट ब्रह्मास्त्र इन टू द कंपेरिजन एज वेल. सही कि सबसे पहली चीज़ जो आपकी कहानी के अंदर आती है दैट इज हाउ यू राइट द स्टोरी. एक पॉजिटिव इसके अंदर और ऐड कर देते हैं विच इज आपकी कहानी का स्ट्रक्चर. सही, कहानी लिखने नैरेटिव लिखने के स्ट्रक्चर्स बहुत पुराने जमाने से कदीम ज़माने से बनते आ रहे हैं. तो एक जोसेफ कैम्बल का है स्ट्रक्चर जो आपके पुराने ग्रीस के ज़माने में कभी हुआ करता था. सही, उसी का आइटेरिएशन है. दैट्स कॉल्ड द हीरोज जर्नी. सही, नाउ हीरोज जर्नी इज बेसिकली व्हेन यू हैव अ कैरेक्टर हु रियलाइजेस दैट ही हैज़ अ पोटेंशियल टू बी समवन. सही, एंड उसकी भी पूरी जर्नी होती है. आपके पास कुछ प्लॉट पॉइंट्स बने हुए हैं इसके हमेशा से. हीरोज जर्नी इतना पुराना कॉन्सेप्ट है मगर इट्स वेरी वर्सेटाइल. सो आपके पास वर्सेटिलिटी के अंदर कैसे आता है? फॉर एग्जांपल हीरोज जर्नी के ऊपर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बनी हुई है, हीरोज जर्नी के ऊपर मैट्रिक्स बनी हुई है. देयर बोथ वेरी डिफरेंट मूवीज. आजकल की कौन सी मूवी बनी है जी? आजकल की कौन सी हर दूसरी फिल्म एवरी ओके खैर बहुत डिटेल हो जाएगी मगर बहुत 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 देयर आर टू मेनी फिल्म्स लाइक दैट ना. इट्स हाउ यू राइट दैट हीरोज जर्नी. इफ यू हैव दोज बेसिक ब्लॉक्स के ये ब्लॉक यहाँ आएगा, ये ब्लॉक यहाँ आएगा, ये ब्लॉक यहाँ आएगा, आपको ब्लॉक तो मिल गए. हाउ डू यू स्पिन योर स्टोरी अराउंड ऑन दैट? राइट, इसकी जो हीरोज जर्नी है ये तो प्लस आ गया कि पाकिस्तान में कभी किसी ने हीरोज जर्नी बनाई. तालियां, बेहतरीन तालियां. प्रॉब्लम यह बात है कि हीरोज जर्नी बनाई कैसी आपने? ये पॉइंट बाय पॉइंट मैट्रिक्स बन रही है, पॉइंट बाय पॉइंट. हाँ, ऑफ कोर्स, टू मेनी सिमिलैरिटीज. आपके पास वही कैरेक्टर है, सही है, उसी उसी नैरेटिव बीट के अंदर आ रहा है. यू हैव अ कैरेक्टर लाइक मॉर्फियस जो मंजर से भाई जो थे, दैट्स मॉर्फियस. हाँ, वो तो थे. यू हैव अ कैरेक्टर सही हु बिलीव्स के फेबल्ड हीरो आएगा वो बचाएगा. फाइन, आ गया. आपको पता है वो सैक्रिफाइस देगा, वो दी उसने. सही, आपको पता है कि थर्ड क्वार्टर में जाके बिल्कुल लास्ट मोमेंट से पहले हीरो विल रियलाइज हिज स्ट्रेंथ, वो भी हुआ. सही, तो इट्स अ बीट बाई बीट ब्रेक डाउन ऑफ द मैट्रिक्स. सही, विच आई थिंक के एक बंदा इतनी कहानी लिखने बैठता है that shows that you have a lack of imagination, lack of creativity. That's point number one. Second, सबसे बड़ा issue movie के अंदर ये है कि exposition. ये जो मैंने project करा था उसके अंदर मैंने जानबूझ के exposition डाली हुई थी क्योंकि it was for another medium, सही है. But when you do it on cinema, and I realized that way beforehand, क्योंकि exposition is the killer of stories. When you have panel discussions, आप बात करें, मैं बात कर रहा हूँ, we're talking heads. सही, आप बात करें, ये बात करें, हर एक ओपिनियन आ रहा है. When you have too much of that happening, सही, stories are told through action, action of the characters, action of what they're doing, action of why they're doing what, सही है ना, physical action के ऊपर होता है. इसका ये मतलब नहीं कि action sequence पे आप चले जाएंगे, but you take some action that leads to another action. Maximum part of the movie क्या है आपके पास? So मैं layman में अगर बात करूँ तो आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा conversations थी? और वो repeat हो रही थी. Repeat. In limited scenes and in limited locations. कितनी locations है फिल्म के अंदर? 12 to 14. भाई आपकी फिल्म में कम से कम 30 to 40 locations हों, सही? तब आपके पता चलता है canvas कहाँ आ रहा है. नाबालिग अफराद देखने 17 दिन में बनी कितनी locations है? I don't know. आपको मैं ये नहीं नंबर नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ काफी, there are बहुत काफी. सी है, बहुत exactly. सी है. जब आप यहाँ जाते हैं गिन लेते हैं भी 12, बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि ये जब एक दफा उस बेस पे पहुंच जाते हैं तो उस बेस से निकलते ही नहीं है. फरहान ताहिर के सारे सीन उसकी एक कुटिया में, बिल्कुल बिल्कुल, राइट. इनके सीन क्या है? तो उससे इशू क्या है आपको? हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? इट कीप्स ऑन रिपीटिंग ए द लोकेशंस कीप ऑन लोकेशन. हाउ डज इट अफेक्ट द फिल्म और द सीन? आई एम जस्ट सेइंग गॉट इट दैट यू हैव एक्सपोजिशन. Now that he points out, तो मतलब ये कि अब बार-बार स्क्रीन पे वही चीज नज़र आपको दिख रहे हैं. लेकिन अभी भी उन्होंने पॉइंट बी कर लिया तो आपको उससे क्या मसला हो रहा है इस चीज़? नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ कि देखिए आपके पास एक रेपिटेशन ऑफ विजुअल्स है, सही है, एंड रेपिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है. बेसिकली फॉर द फर्स्ट 40-50 मिनट्स जब शुरुआत के एक टाइटल सीक्वेंस में आपको जो चीज इंट्रोड्यूस करा दी गई है कि भाई ये अय्यार्स हैं, ये इनकी बैक स्टोरी है, ये फेवरेट बंदा आएगा, ये गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे, ये पीछे से कर रहे हैं, डन, दैट्स डन. आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ गई है. नाउ यू मूव ऑन टू द स्टोरी एट हैंड. मंजर साहब भाई इस कैरेक्टर इज गुरु, इस कैरेक्टर इज गिविंग
अमर द सेम इन्फॉर्मेशन ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. सही, एक वो बात आ रही है. ओवर तो नहीं किया था, चार दफा, तीन, दो से तीन दफा भी आना, दैट्स अ मॉडल सेंस. सही, देन व्हाट आर दीज कन्वर्सेशंस लीडिंग टू? Are they leading to some action that is going to change the story? There was very little action. There was no lack of action was a problem. The conversations are leading to the mindset of that person. You need one good scene to create that thing. Okay, now I've seen abhi main pata hai 90s ki dobara movies bar bar dobara dekhne par chala gaya kyunki ab sab kachra ho gaya. Hollywood mein bhi acha nahi aa raha kaam. So there's this great movie called Shawshank Redemption. One of the greatest movies. It's unfair to compare the two movies or even bring reference to that. I'm putting out a point. You have a scene with a character, aapke paas aa jata hai wo scene, information convey ho gayi, you move on to something else. Agar aap Shawshank ko hata do, sahi, aap India chale jao, वहाँ पर भी हो रहा होता है. ओके, सो सुपर हीरो मूवीज एंड सुपर हीरो स्टोरीज, देयर इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग. जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने देखा है, दे हैव अ स्टोरी लाइन एंड उमरो यार फॉलोड दैट स्टोरी लाइन टू द पॉइंट एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन इट. दिस इज एग्जैक्टली एक्सपोजिशन. नहीं, एक्सपोजिशन होती है टू कैरेक्टर. नो, कैरेक्टर्स डू नॉट हैव एक्सपोजिशन. व्हेन यू हैव कैरेक्टर्स टॉकिंग एंड टॉकिंग अबाउट स्टफ, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट एंड हाउ इज इट चेंजिंग द नैरेटिव ऑफ द मूवी? इट डजंट. व्हाट इज इट बिल्डिंग टू? इट इवेंचुअली बिल्ड्स टू द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट. द सुपर हीरो मूवीज और दीस मूवीज जहां पे एक बंदे को अपनी पावर का नहीं पता, ही रियलाइजेस, चाहे आप उसको आज के उसमें ले लें या बुक्स में ले लें, फिल्म में, दे ऑलवेज हैव दिस जर्नी वेयर दैट पर्सन इज सपोज्ड टू बी लाइक, उसको झंझोड़ते हैं और उसको उठाते हैं. कितने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इसमें? आपने भी कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करी, नाम अलग अफराद में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इसके अंदर कितने थे? जरूरी भी नहीं आपको कि बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हों. नो नो नो, लिसन, योर स्टोरी स्टंट्स एट दैट पॉइंट, फंस जाती है. आप नहीं, इट डजंट गो फॉरवर्ड. आप इंतजार कर रहे होते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा, वो बिल्कुल एंड में जाकर आता है. कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत नहीं होती बिकॉज़ दिस इज अ सुपर हीरो मूवी. दैट सुपर हीरो मूवी में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत होती है भाई. उसके अपनी जो थॉट प्रोसेस है, वे ही इज नॉट एबल टू राइज टू द पोजीशन दैट ही इज सपोज्ड टू, दैट इज द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट. ओके, गो आउट एंड वॉच सैम रेमी स्पाइडरमैन अगेन. आप उससे, मैं बेसिक बात कर रहा हूं, उससे बेसिक कहानी किसी ने नहीं लिखी. फर्स्ट वाली स्पाइडरमैन की बात करें, सबसे पहले बेसिक स्पाइडरमैन, सबसे पहले तो क्या उसको टाइम नहीं लगा था टू रिकॉग्नाइज एंड टू एक्नॉलेज व्हाट ही हैड? देयर वर अ लॉट ऑफ एक्शंस गोइंग ऑन दैट कैन चेंजिंग दैट कैरेक्टर. उसके पास पूरे आर्क्स थे आपके पास. आर्क आर्क्स है, इसमें कोई आर्क नहीं है आपके पास. अच्छा, फॉर मी दिस मूवी हैड the flow that a super movie hero should movie should have. The journey, what I liked was that ki shuru mein unhone casting mein at least unhone ye nahi dikhaya ki 25 saal ka ladka hai aur phir koi aur aap dekh rahe hain actor jo aapko visually thoda sa disbelief hota, to mujhe ye sabse achhi baat lagi ki wo ek professor hai jo teach kar raha hai, to aapko ye bhi nahi hai ki koi bahut young banda dikhaya. और उसकी जो शुरू की भी फील थी वो मुझे तो बहुत अपीलिंग लगी. मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि अच्छा, हम कोई नेटफ्लिक्स की तरह की मूवी देखें जिसमें एक कॉलेज है वो कर रहा है. फिर उसके बाद का भी सारा फ्लो फॉर मी, द एक्शन, द कॉस्ट्यूम्स, दे वर रियली गुड, दे वर इंटरेस्टिंग. बट वेयर वाज द एक्शन? इट केम मच 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 नहीं later. क्यों, कितनी बार तो आ रहा था एक्शन जब उसको बेचारे को मिल जाते हैं, जब उसकी ट्रेनिंग मिल जाते हैं और शुरुआत शुरुआत में बिकॉज़ अगर मेडल एंड थ्री एक्शन सीक्वेंसेस इन टोटल, राइट, अगर वो पहले से कर देते तो आप उसकी ग्रोथ, उसकी जर्नी नहीं देखते. हाउ वुड यू कनेक्ट विद दैट सुपर हीरो कि वो पहले 15 या आधे मोमेंट्स थोड़े से ज्यादा होने चाहिए. बट पॉइंट आने के बाद उसने फिर क्या किया? उसके बाद मतलब एग्जैक्टली आपके पास देखिए रियलाइजेशन वो आता है ना उस पॉइंट पे. Realization is fine. There wasn't a lot of realization. That always happens in the last 20 minutes of the movie where there were two points. Let me point out something on the technical device, on screenwriting especially. आपके पास एक मोमेंट चल रहा है ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, क्रिटिकल सिग्निफिकेंस, विच वॉज द क्लाइमैक्स. सही, योर कैरेक्टर इज इन द मिडल ऑफ अ मोमेंट जहां कत्लोगारत हो रही है, यू आर लूजिंग. सही, दैट्स अ सीरियस मोमेंट. सही, एवरीवन इज गोइंग टू डाई एंड ही टेक्स इट टू द उमरो यार एंड देन ही गोज एंड सडनली यू हैव अ चेंज ऑफ टोन. दैट आई एग्री. वहां पे सडनली इट बिकम्स कॉमेडिक. सही, रादर देन दैट पुट plug that out, put that as a intermission point. That should have been a very good intermission point. Sahi, Harry Potter mein main jagahon pe wo Harry Potter ko leke jaate hain where he meets Dumbledore in his imagination. Those points are sometimes very very crucial. So yes, exactly. Ye reference hota hai. Achha, aapne ke andar point ke andar exactly tonality aur wo lamba scene tha. But take lamba scene ke sath wala lamba scene tha aur tonality pe I completely agree ke wo nahi tha. But yes, taking him to that point where in his you know that world he realizes, oh, this is what I'm supposed to be and this is my next step.
फॉर मी इट वाज क्वाइट ओके. इसकी स्ट्रक्चरिंग ना, स्ट्रक्चरिंग एक सेकंड एक्ट के एंड में आती है, सही है? अगर अगर आप बेसिक स्टोरी टेलिंग के ऊपर ही आ जाएं, अगर आप हीरो जर्नी पे भी जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सेकंड एक्ट के एंड के अंदर एंटी क्लाइमैक्स होता है, वहाँ आप ये जगह डाल सकते थे वेयर द कैरेक्टर इज नाउ क्वेश्चनिंग. सही, तो ही इज टेकन इन टू दैट थिंग, सही, डोमेन, वहाँ जाके उसको रिविलेशन आया, बट ही स्टिल डजंट नो हाउ टू गेट इट. ही इज ट्राइंग बट ही डजंट नो दैट. That would make much more sense when you're rewriting the story. This story needs to be rewritten from scratch. Because tonality, अचानक कितना बड़ा आपके पास comedy, drama, oh, मौत सब मर गए, अचानक light-hearted हो गई, टक, and then it suddenly becomes very serious again. इसके अलावा देखो, आपके पास character tonality में एक और चीज़ का मसला है. फरहान का, फरहान is a phenomenal actor. By the way, actors के ऊपर I thoroughly agree, all the actors were very fine. मगर सनम तो पीछे खड़ी हुई थी, सनम के बारे में बात ही नहीं करेंगे, वो फिल्म में थी नहीं. सनम इन दिस फरहान का कैरेक्टर मैक्सिमम फिल्म्स 2/3 ऑफ द मूवी ही इज देयर इन द कुटिया ग्राउलिंग एंड स्काउलिंग एंड एम्बेडिंग पीपल विद द पावर ऑफ द जिन्स. हां, दे आर जस्ट ग्राउलिंग स्काउलिंग, यू नो के, ओ माय गॉड, ये आदमी तो बहुत ही सीरियस है, ही कैन डू सो मच मोर, ही इज सो सीरियस अबाउट एवरीथिंग. देन ही विजिट्स a certain character, spoiler to wise bahut hi chale gaye magar phir bhi chalo, okay chale, he was that character and suddenly he becomes like a mad comedian, wo comedy karna shuru kar deta character, sahi, tanz bhi kar raha hai, ye bhi kar raha hai, achanak shift kahan se aa gaya bhai, that's a major shift of that character. Haan. When you have a film, let's say Mr. India, kab hota hai, sorry, when does that happen, usman se milne jab phir aata hai, usman ekdam se wo comedy, aur usse pehle usne koi comedy nahi ki, so you didn't know that this guy had a witty side. Now if you see Mogambo, Mr. India, jo pehle frame mein jo character establish hua hai na, he continues to be that throughout the movie, even when he has to be a mad evil guy who kills his own people. Sahi, that is how you should approach it, ki ha mera character kya kis point pe aa raha hai, kya kar raha hai, and how do you define it. You just need one particular scene to define every bit of that character to move forward. Ye nahi tha aapke paas. Usman ki casting, Usman is fine, 30-year 40-year-old heroes, fine, as long as that character is given justice, done, perfect. आपके पास सनम थरली वेस्टेड, सनम की तो बेचारी की लाइट बहुत सी दफा बहुत बुरी हुई थी, इसकी एक आपके पास शैडो यहाँ से इन्वर्टेड पिरामिड इसकी नाक का यहाँ बार बार बन रहा था, जब वो सर्कुलर सीन के ऊपर बैठी हुई थी जहाँ एट देयर हाइड आउट विद उस्मान सामने, वेरी बैड लाइटिंग, देन कुटिया के अंदर वेरी बैड लाइटिंग. पुराने ज़माने में बल्कि हीरोइन के ऊपर तो आई थिंक इट शुड बी मैंडेटोरी टू लाइट हर वेल, लाइट हर गॉर्जियस, सही, बट आई थिंक शी डिडंट इवन हैव मेनी lines. How was she even being a heroine? She was nowhere. That's what I'm saying. You have so Sanam Saeed there and she barely has it. Any character. Yes. Exactly. Yes. Now, आपके पास, मुझे अच्छा लगा कि at least अली काज़मी के पास एक अच्छा स्पेस आया. अली काज़मी पास बहुत अच्छा स्पेस है. बहुत अच्छा स्पेस. I think for me, he stood out in the whole movie. The exactly. way he presented his character, the way his body was, you know, just fine for that scene, that sequences. उसके कैरेक्टर के लिए वो जो रैलिंग पूरा सीन था इसका, जो 360 डिग्री का वन टेक इसने दिया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आल्सो. एंड यू नो, आपको पता था कि मास का कैरेक्टर क्या है, यू कुड रिलेट टू मास, लाइक यू न्यू कि मास क्या करेगा, एंड मास स्टूड आउट अमंग ऑल ऑफ देम, दैट्स फॉर श्योर. ये मैं कह रहा हूं कि देखिए, आपके पास ना अब इतना अच्छा कैरेक्टर आपके पास आ रहा है, बट यू आर कंस्ट्रक्टिंग देम इन अ फ्यू नंबर ऑफ सेट्स. आई थिंक मास जो इंफॉर्मेशन इसके साथ ले रहा है, सही है, गुरु के साथ बात कर रहा है, उसी का आइटेरिएशन या उसी का कंटिन्यूएशन ऑफ थॉट मल्टीपल टाइम्स आ रहा है. आपके पास ये 3-4 एलिमेंट जितनी दफ़ा वापस रिपीट होते हैं ना, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम विद द नैरेटिव, सही है, आपका स्टंट हो जाती है ग्रोथ. आपके पास देखें, यू नीड फॉर एग्जांपल सनम का कैरेक्टर थोड़ा सा बढ़ा लेते, कितना अच्छा एक पूरा आर्क बन जाता, रादर देन कीप ऑन थ्रोइंग प्लॉट थ्रेड्स दैट मे बी रिजॉल्व्ड इन देयर इज अ सेकंड पार्ट. कम ऑन, दैट्स अ मेजर फ्लॉ. No, you, I am sorry. Haan. I agree to, that is sure. not a major flaw. If you're planning to make a sequence, you do. No, every movie okay. on its own well, should when be amazing. On its own भी आप करके निकले तो वो complete नहीं थी. देखिए complete नहीं. आपके पास अदनान सिद्दीकी हवा के अंदर है. सही है. आपके पास इसकी powers का base सही है. जो इफरीत, जो backstories, you all letting that linger out. सही. You up okay. Take Iron Man for example. First up देख ले. सही. It's a complete standalone movie. When you watch the first Iron Man, you don't need to watch the second part. Hmm. Matrix पहली वाली देख लो, stand alone. मसले की बात यह है कि 10-15 साल पहले आप कहते पाकिस्तानी सिनेमा के पास वो अकल नहीं थी, तो आई वुड अग्रीड. अभी ट्यूटोरियल्स, लॉन्ग एसेज, वॉट नॉट, ये सब अवेलेबल हैं. कोर्सेज जो हमारे बचपन के अंदर, हमारी जवानी के अंदर अवेलेबल नहीं थे, वी लर्न ऑन द फील्ड, राइट, हाउ थिंग्स शुड बी, वो सब आपको मिल रहा है.
15-20 minute essays on how to write stories, how what conflicts should be. There's a very prominent channel उसने videos बनाने बंद कर दी. बहुत से critical essays थे every frame a painting के नाम से. तो वो तो उस depth में detail में जा रहा है जहाँ तो हम अभी सोच भी नहीं सकते. मगर basics तो अपने cover कर लो भाई. सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स अच्छे करने से कहानी बेहतर नहीं होती. नहीं नहीं, कहानी कहीं कहीं अच्छी थी. इट जस्ट नीडेड मोर हीरो मोमेंट्स एंड लेस रेपिटिशन इन डायलॉग्स. इट शुड हैव वर्क फाइन एज अ 90 मिनट मूवी. कैन देयर वाज फन मोमेंट्स सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द अभी. अभी यस, अभी भी रहती है. वी कैन मूव ऑन टू अभी. या आई काइंड ऑफ हैव अ डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम ऑल दीस थ्री. आई फील द मूवी वाज क्वाइट गुड. Yes, it was a typical superhero movie. That's how the plot moves, the repetition, the dialogues to convince the hero that aap hero hai, aap hero ban jaye. Maine to jitna padha hai, jitna dekha hai. And I read a lot of fantasy movies. This is the exact pattern that they follow. Yes, so your story, even if you're following that, could have been more creative in that way. Wo kar sakte the, lekin hamare yahan hum jo kar rahe hote hain, bas hum usi pe okay hote hain. In terms of performances, I think they were really good. So for a change, हमारे पास performances पे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. Action मुझे अच्छा लगा. मुझे लगा अच्छा कि उन्होंने इतनी details में किया हुआ था कि costumes अच्छे थे. Characters के साथ आपको एक connection था. जब सफ़ीर अपने आप को गोली ऐसे मारता है, I was very very sad. You know, I was like, oh, इसने मार दिया अपने आप को. I could relate to Mars. जब हम लोग किसी कैरेक्टर के लिए कुछ फील ही नहीं करा सकते. ये एक छोटा सा कैरेक्टर था, जब वो जाता है मरता है तो हम सबको फील हो रहा था. जब वो गुरु को मारता है पोजेस होकर, यू फील दैट ड्रेड, राइट? या एग्जैक्टली. एंड वो जो आप बात करें कि उसको कॉमेडिक पार्ट आया था, मेरे लिए वो कॉमेडी नहीं था. मेरे लिए ही वाज ग्लोरिंग, लाइक वो कहती है ना इंग्लिश, मुझे शायद से वर्ड नहीं आया, ग्लोटिंग, ग्लोटिंग के ओ आई एम दिस एंड दैट्स हाउ वो सुपर हीरो turning out like a megalomaniac mad comedian. That does not mean he is comedy. To me it was something like wo itne powerful hai ki wo aise, lekin agar wo pehle se thoda sa dikha dete na ki wo is tarah mazak karta hai, kabhi kabhi even jokes karta hai. Mazak nahi tha, wo bas apni show maar raha tha ki dekho tumhe ye itna kehte to tum ye ho. To apne bandu ko bhi show maar raha hai, pehle bhi dikhate na ye personality pehle bhi build karte. Of course for me this was conflicting hai, jo progression hai na characters ka aur narrative ka, was quite good and I think it was a great improvement. Yes, कामरान के मुताबिक नहीं है, but I think VFX were really good. Fun watch लगी and जरूर families को जाके देखना चाहिए. This is one movie that I would say to watch to support Pakistani cinema. You should know, never buy money to support Pakistani cinema. नहीं, कुछ पे कर सकते हैं आप, कुछ पे कर सकते हैं. If it's good enough, if you feel that you should go out and watch movies, support वाले नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर अगले 10 फिल्म मेकर्स ना कहेंगे आप हमारी फिल्म सपोर्ट नहीं करते. नहीं नहीं, so we should not give them that benefit. एक नई जो आई कॉम्बिनेशन वो ये प्रेजेंट कर रही है, उनको इतना तो क्रेडिट, इतना तो उनको. If the movie is good, you'll go out and watch it. It is. It for me, it's good. चलिए, let's move on to अभी. Yes. नहीं, दिन लगे इसे बनाने में. आई मीन इतने सालों से डिले हो रही थी. व्हाई डिड दे नॉट सी दिस ग्लेयरिंग फ्लॉज? क्या क्या ये फ्लॉज? ऐसा लग रहा था पुराने वक्तों की कोई फिल्म देख रहे हैं. पुराने वक्तों की इतना डिले हो गया था उसका. इसकी कोई एक कंसाइज स्टोरी लाइन है ही नहीं. कभी इधर जा रही, आपको समझ नहीं आता कि आप पाकिस्तान इंडिया के बारे में देख रहे हैं, कि आप रिच गर्ल पुअर बॉय देख रहे हैं, कि आप म्यूजिशियन की जर्नी देख रहे हैं. ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये डाल दिए तो क्या फर्क पड़ता है आपको? मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हैं. और बात ये है, हम सब फिल्म्स देखते हैं, हम सब बुक्स पढ़ते हैं, हम सबको पता है कि स्टोरी की एक प्रोग्रेशन होती है. अभी में वो प्रोग्रेशन क्यों नहीं है? ये भी तो लोग जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं, वो भी तो मूवीज देखते हैं. इन्हें क्यों नहीं ये नजर आया? आई डोंट अंडरस्टैंड. कैमरा आपको कहना चाहेंगे? पुराक, आप क्या कहना चाह रही? बुराक को तो आज हंसी के फिट्स पड़ रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई हम क्या फनी बातें कर रहे हैं. बुराक बार बार मैं एक्चुअली आप तीनों को वो कर रही हूं, इवैल्यूएट कर रही हूं. अच्छा, तो क्या आपकी इवैल्यूएशन है? मूवी को इवैल्यूएट कर रही हूं. मूवी को इवैल्यूएट करने का तो हमें भी इवैल्यूएट कर दीजिए. जैसे आपने कहा कि तीनों नैरेटिव्स में से, तीनों ट्रैक्स में से क्या है, और तीनों कोएग्जिस्ट क्यों नहीं, एटलीस्ट थ्री दैट यू पॉइंटेड आउट, भाइयों का कॉन्फ्लिक्ट भी था, कि तीनों क्यों नहीं कोएग्जिस्ट कर सकते. लेकिन ऐसा लगता है अगर उसको डिवाइड कर देना मूवी को तीन हिस्सों में, तो तीनों बिल्कुल कट लग सकता है, बहुत स्मूथ कट उस पे आ सकता है, कि आपस में शायद यू नो ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर वाला जो एक एलिमेंट होता है.
एक तो लग रहा था कि कोई बहुत ही लंबी सी मूवी है, खत्म ही नहीं हो रही. पहले हमने शुरू मतलब इस जगह से किया था, बीच में फिर हम यहाँ पहुंचे और खत्म हमने यहाँ किया, एंड इट डिडंट कम टुगेदर एट ऑल एक्सेप्ट कुबरा एंड गौहर का कैरेक्टर्स कमिंग टुगेदर. ऑफ कोर्स वो तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल था. सो मुझे कुबरा की स्क्रीन पर कुबरा अच्छी लगी मुझे. मतलब शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ प्रिटी. लेकिन एक वो जो फिल्म की हम बात करते हैं अक्सर हमेशा, यू नो ऑल्सो हर स्टाइल एंड यू नो सारी चीज़ें होती. गौहर ठीक है, एक ऐसी जगह से था जो पसमानदा तो मैं नहीं प्रोड्यूस करूँगी, लेकिन एक शहर अर्बन या उसमें वो नहीं, बट उसका हेयर स्टाइल, उसका एक अलग ही मुझे लग रहा था दौर का हीरो है वो. मतलब आज के दौर का हीरो कुछ खास समझ नहीं आ रहा था मुझे. 80s, 90s. मैंने कहा इतना डिले तो नहीं हुआ है रिलीज, इतना डिले तो नहीं हुआ है रिलीज के, इतना पुराना लगे. लेकिन आई थिंक कुबरा और ये लोग इंटरव्यू में भी कह रहे थे कि अब खुद अपने आप को देख के उनको हो रहा है, बिकॉज़ इट्स बीन इयर्स बट नॉट एज मेनी. प्री कोविड से बन रही, बट फिर भी मुझे जो उन दोनों का साथ में जो भी टाइम दिखाया, व्हेन शी गोज टू कश्मीर या जब वो आता है लाहौर, तो वो थोड़ा बहुत बिट्स थे, और वो जो परफॉर्मेंस देता है एक बड़ी लार्जर देन लाइफ किस्म की, और वो म्यूजिक और सारा. अच्छा म्यूजिक आई थिंक कुबरा राइटली पॉइंटेड आउट, अगर एक प्लस मूवी के कंपेरेटिवली कोई बात है कि जो कम उसमें अच्छाइयों में सब एक कोई पॉइंट आउट अगर आपने करनी है चीज़ के म्यूजिक का, एक थोड़ा सा हम सिनेमा की जब बात करते हैं तो वो म्यूजिक आता है या कुछ होता था, इट वुड अपलिफ्ट द मूड अ बिट. सो वो जो लार्जर देन लाइफ एक परफॉर्मेंस उन्होंने दी, बड़ा अपना हेयर कट करवा के और महंगे से कपड़े पहन के, तो वो थोड़ा सा एक शायद आप एक रोमांटिक रोमांटिक या एक हीरो हीरोइन वाला एक लार्जर देन लाइफ कुछ दिखाना चाह रहे हैं तो चलें, कुछ सामने विजुअल भी है उसको सपोर्ट करने के लिए. एज फॉर द कश्मीर बिट, पाकिस्तान बेट, इंटरव्यूज़ में जो जो ये लोग कहते रहे हैं, नॉट ओनली माई इंटरव्यूज़ बट मैंने जितने इंटरव्यूज इनके देखे इनके सुने, मतलब बस वो ज़बरदस्ती वो एलिमेंट डालना था और उसको कैश इन करना था, फिल्म की हाइप उसको लेके क्रिएट करनी थी कि दिस इज़ द मूवी इज़ अबाउट. नेशनलिज्म हो गया, पेट्रियाटिज़म हो गया, इट वॉज़ ऑल्सो वेरी प्रीची टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट. आखिर में जो कुबरा के बहुत सारे, बहुत ही मुझे एक मीन वर्ड आ रहा है, बट आई शुड रादर रिप्लेस इट, बट जो मैंने आप लेक्चर कर रहे हैं एक के बाद एक, वो जो और वो जो चार लोगों को लेके प्रोटेस्ट करने लग जाती थी पापा प्रिंसेस वाला, उनका ओवरऑल वैसे डिमीनर था. मतलब कुबरा की जिंदगी का मकसद क्या था, कुबरा कुबरा मैं कर रही हूँ सॉरी अबाउट दिस, बट कुबरा के कैरेक्टर का ठीक है, हमें पता चल गया एक अमीर बाप की औलाद है, शी हैज़ ऑल द आसाइशें और उसको अपने घर में इतनी घुटन हो रही है, वो कश्मीर जा रही है, वो सारा जो एक टिपिकल हम सब देखते हैं, बट वो जिंदगी में कर क्या रही थी एकदम से, वो जो ये कॉज सपोर्ट करने लग गई, मतलब कोई मजाक तो नहीं था ये कॉल भी जो था प्रोग्रेशन इन कैरेक्टर, और उस लड़के को जो वो लेके गए हैं गलत समझ के उस लड़के वहां पे, क्या कोई जोक चल रहा था कि वो खातून जो है जो हरीम फारूक जिनका कैरेक्टर करी, इतने कैरेक्टर्स अमेजिंग थे कि मुझे किसी का नाम याद नहीं है लिटरली. हमजा का याद है नाम, क्योंकि वो डायलॉग मेरे कान में है, हमजा उसको कहा करता था कि जिंदगी आपको एक मौका जरूर देती है, वो डायलॉग बस मुझे याद है क्योंकि वो ट्रेलर इतनी दफा सुन लिया है मैंने. सो वो बच्चा, वो खातून, वो माहौल, कि कोई जोक था जो आप किसी को लेकर आए थे उस सिचुएशन में, कि उसका एक तो एक्सेस है आपकी घर की औरत और बच्चे के पास, फिर वो गिटार भी बजा रहा है, वो वहाँ पे बच्चे के साथ, मतलब दिस वॉज अ वेरी सीरियस एंड इंटेंस मैटर इफ यू रियली वॉन्टेड टू हाईलाइट इट इन अ मूवी. So I think मैंने इतना ज़्यादा बोल दिया है. You know, कामरान sorry. हमारे पाकिस्तानी म्यूजिक बहुत अच्छी है, बॉलीवुड जाने की क्या जरूरत है, मतलब बिला वजह की बहुत, फिर वो मुन्नी बदनाम हुई जगह. सो यू नो देयर वर ऑल दीस मैसेजेस देयर दैट वर टू कंफ्यूज. आई फेल्ट लाइक बिकॉज गौहर ऑल्सो प्रोड्यूस दिस मूवी, आई फेल्ट दैट ओवर द इयर्स ही वॉन्टेड टू एड इन मोर to the narrative and he kept adding it in. Maybe I'm wrong, but usse ye hua ki ek confusion ho gayi, ek message hota story wahan tak jati ya do messages hote to theek tha, yahan pe itne sare causes aur itne sare tracks the ki it just gets confused. Aur kya messages as an audience, hum what did you return back hamare ilawa bhi agar audience bhi jo sirf audience hai jo critique bhi nahi agar wo kar rahi to wo kya leke gaye honge, kya take away tha us movie ka agar messages bhi the ki azad kashmir ka ek gunda agar pakistan mein hai to uski koi hifazat karne wala nahi hai. I felt that was the biggest flaw of the movie, it went against all the messages that it was giving, ki aap jo cause क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपने उसी कॉज को हथौड़ी से कुल्हाड़ी से मारा है आपने. व्हाई कुडंट इट बी अ पर्सन फ्रॉम कराची और लाहौर हु जस्ट वैनिश्ड, यू नो व्हाई डिड यू, जब हम पॉलिटिकली भी इतनी चीज़ों को उस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है, सो व्हाई डिड यू हैव टू शो दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसके गायब होने की कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में, विच इज़ नॉट ट्रू, यू नो एंड इट्स जस्ट सैड टू सी कि वो जो उसका एक कॉज, फॉर मी दैट वॉज द बिगेस्ट फ्लॉ ऑफ द मूवी, आई वॉज क्वाइट सैड एंड डिसअपॉइंटेड.
फिल्म के अंदर डायलॉग था ना कि जिंदगी आपको एक दफ़ा मौका ज़रूर देती है, फिर आप कहते हैं अभी नहीं, ट्रेलर ट्रेलर ने हमें डिसीव किया है। क्या? नहीं नहीं ट्रेलर वाज वेरी बैड। कम ऑन। नो द ट्रेलर सिनेमेटोग्राफी वाइज फिर भी बेहतर सीन दिखाए थे। व्हेन आई वेंट टू वॉच द मूवी आई वाज लाइक वो सब कहां जो आपने मुझसे ट्रेलर में फायदा किया था? अच्छा, कहां है वो सब कुछ? दो से तीन और शुरू के कुछ सीन में कलर ग्रेडिंग वाज आई वाज लाइक ये कौन सी जगह है? क्या अब आजाद कश्मीर में तो वहां कलर्स नहीं है क्या? घर में और वो जो गाड़ी वाला सीन था और वो सब देखिए सिनेमेटोग्राफी इज समथिंग डिफरेंट देन कलर ग्रेडिंग राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग मिक्स या टेक्सचर। सिनेमेटोग्राफी आपके पास कदर हद बेहतर थी, सही है ना? आपका जो एक बात होती है ना जो उमर यार में नहीं थी, सही है कि आपका फ्रेम नहीं खुला या आपके पास फ्रेम खुला हुआ है। लोकेशंस बड़ी खूबसूरत, फ्रेम आपको हमेशा खोलना होता है। उमर यार में जरूरत नहीं, आप राणा कामराम से काम करवाते हैं उमर यार का, वो फिल्म निकाल के देता आपको, सही है ना? तो खैर कमिंग बैक टू दिस, तो फ्रेम नहीं, फ्रेम खुला हुआ था, सही, वो फ्रेम बस खुला हुआ था। प्रॉब्लम इज कि इट वाज द शॉट कंपोजिशन सही was spot on. आप technically देखें ना, there are rules to how to frame a shot ना. Asad Mumtaz has been a cinematographer for the longest of times. He knows where to place and how to place the camera. The problem is this. My apologies, I'm checking you, but I feel के जो ये point है वो कहीं movie में stand नहीं करता था. अब क्या होगा? मैं as a बिल्कुल मेरी technical expertise zero होगी completely, लेकिन as a viewer, I didn't feel visually anything in that movie. अच्छा सही है. इसके अलावा सही कलर ग्रेड खराब था, कहानी की पेसिंग खराब थी, फिल्म का साउंड खराब था, सही है? आपके पास कैरेक्टर्स थे दैट हैड नो मोटिव, सही, अदर देन द पेग वाले मोटिव जो आपने डाल दिए थे, हाँ भाई इसको म्यूजिशियन बन रहा है, हाँ सही है ये कैरेक्टर इसको म्यूजिशियन बना देगी। अच्छा फिर वट इज द रेलिवेंस ऑफ द टाइटल अभी इन द स्टोरी? उसका उसने शुरुआत में कहा था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल अभी, हाँ बस यही था, वो कहाँ था? एक कैरेक्टर एक आपके पास हाई पॉइंट के ऊपर अगवा हो जाता है, सही, और बाय द वे वो दैट वाज हेडेक एंड हाफ दैट होल सीन, क्योंकि जब गौहर का कैरेक्टर एंटर करता है, हमजा कह लेते हैं, हमजा कहते हैं, चलो गौहर का कैरेक्टर का मैंने नाम नहीं लिया, सही है ना, हमजा जब एंटर करता है, सही, तो ही हैज अ कम्प्लीटली डिफरेंट लुक, देन व्हेन ही इज इनसाइड, सही, क्योंकि दैट सॉन्ग वाज शॉट लाइक अ कपल ऑफ मंथ्स बैक, तो ही लुक्स लाइक द वे ही डज एंड दैट्स अ मेजर डिफरेंस ऑफ द एंटायर लुक, एंड देन आफ्टर दैट इमीडिएटली एंड दैट्स पार्ट ऑफ अ रनिंग सीन, उसके बाद फिर वो बाहर निकल आता है, उसके लुक चेंज हो जाता है, तो देयर आर थ्री डिफरेंट लुक्स ऑफ दैट वन गाय इन अ रनिंग सीक्वेंस, और वो कैरेक्टर जिससे आप कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे, वो अचानक लड़की के साथ जाता है एंड दे वो थोड़ा सा रोमांस बनता है, सही, वो इन्हें पैक डाला हुआ था कि इस तरीके से रोमांस बनाएंगे हम, दो जगह इस्तेमाल करा मगर सही नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं एक कि वो रोमांस नहीं हुआ, कैसे हो गया, नहीं हुआ ना, एक गाने में कितनी जल्दी, कुछ भी नहीं था, बस आप दिखाएं गाड़ी में बैठे तो कुछ भी नहीं जाता है, इसमें था तो कुछ भी नहीं, सही है, मगर हम बात यही कह रहे हैं कि वो रोमांस हो गया, अच्छा ओके ठीक है, वो एक पैक डाला ना कहानी के अंदर कि इस टाइप के अंदर ये करेंगे कि ही विल रीच आउट एंड दे विल टेक अ स्टेप बैक, रीच आउट एंड टेक अ स्टेप, आई एम नॉट सेइंग इट्स डन वेल, इट्स डन वेरी बैडली, सही, मगर व्हेन दैट सीन हैपेंस अचानक गाड़ी में लोग आते हैं, मिनिस्टर की बेटी को नहीं उठा के जाते और वो हमजा को ले जाते हैं, लिटरली अ नोबडी, यू किडनैप समवन हु हैज नो रेलेवेंस टू द वर्ल्ड, कल आप उठा के मार दो उस कैरेक्टर को, उसका कोई लेना देना नहीं है, नहीं चले वहां तो वो समझ रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि हमजा है कौन, चले वहां तो भाई किसी को उठाना था क्या सड़क पे, वो कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, जब वो कहता है, वो कहता है नहीं नहीं तुम वही हो जिसको हमने उठाना था, वो ये समझ, फाइन, मगर जब वो बात क्लियर हो गई, सही है, आपको क्लियर तो नहीं हुई, कहां हुई क्लियर, वो तो एंड तक नहीं क्लियर हुई थी ना, आप किसी भी कैरेक्टर को उठाते हैं ना, कभी भी उठाए, सही, आपकी इंटेलिजेंस इतनी सिफर नहीं होती कि आपको पता ना हो कि आपने गलत आदमी उठा लिया है, कि आप चार इतने लंबे अरसे तक, अच्छा नहीं बहुत देर से होता है, और सेकंड बात ये, दिस इज अ स्पैन ऑफ डेज, सही है, लेकिन वो तो कहते हैं तीन दिन ना, वो कहती तीन दिन हो चुके हैं और हमजा की कोई खबर नहीं है, तीन दिन में इतनी बड़ी रैली क्राई ऑफ फॉर अ नोबडी, सही है, एंड दैट कैरेक्टर जिसको आप भी नहीं जानते, दुनिया भी नहीं जानती,
तीन दिन आपको ऐसा लगता है उसके दरमियान वो वहाँ हरीम फारूक के कैरेक्टर के साथ आ भी गया, व्हाई इज शी ब्लाइंड, व्हाट इज दैट थिंग हैपनिंग, शी कम्स इन आउट ऑफ द ब्लू एंड शी जस्ट डाइज आउट ऑफ द ब्लू. और वो बच्चे का क्या हुआ, वो कुछ समझ नहीं आई कि वो कैरेक्टर गए किधर, उनका हुआ क्या. आपको याद है फिल्म में अदनान शाह टीपू भी था, कहाँ था, क्या क्या बोल रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं दो डायलॉग्स बोल रहा था, क्या बोल रहा था मुझे बिल्कुल, मुझे भी याद नहीं, वो क्यों थे वो. एग्जैक्टली, तो सवाल है कि क्यों थी ये फिल्म, एक चीज पढ़ाई जाती है फिल्म स्कूल के अंदर, दैट्स कॉल्ड एन इफेक्ट टू कॉज मॉडल. व्हेन यू हैव एन आइडिया इट्स लाइक अ कंप्लीट डायमंड, सही, चार स्टार से आपके रॉम्बस बना हुआ होता है. व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट, सही, आधा बच जाता है, सही, यू आर नेवर ever able to get that idea के भाई हाँ, idea को आप match करना ना screenplay पे बहुत मुश्किल होता है. जब बनाने जाते हैं quarter of a diamond बन जाता है. तो your job is कि जब आप half and quarter of a diamond पे पहुँच जाए ना, सही, you rewrite it, you remake it, you find solutions to present the best narrative there is. Not keep on piling कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, मेरी spotlight कम होगी, उसकी spotlight बढ़ा दें, ये कर लें, ये cost डाल दें, that does not help narratives. Especially when you have this long a time, 3-4 साल का time है आपके पास, film release नहीं हो रही ना, fine. कट कर देते हैं उसमें से और चीजें. आप reshoot कर लेना. नुकसान में तो चले गए. In for a penny, in for a pound. सही है ना? If it doesn't make sense, go out, reshoot it. सही है? Or better yet, and this was the opening paragraph of my review, कि काश आप ये film release नहीं करते, you would say कि this would, this is not coming together, and write it off as a tax write off. That would be the best thing. हमारे पास सबके पास एक आइडिया होता कि एक शायद पोटेंशियली अच्छी फिल्म अभी आने वाली है, वो अभी नहीं आई, अब आपके पास आ गई है, यू हैव नो ऑप्शन बट टू पैन द मूवी. तो लेट अस लिव इन आवर फसाड, जो हमारे पास इमेजिनेशन है वहीं रहने देते भाई, फिल्म बनाने की जरूरत नहीं थी, जो बना ली तो चलो, ये नहीं कह सकते कि बनाने का राइट्स आपके पास छीन लिया जाए. इसको राइट की थ्रू आउट द जो कन्वर्सेशन हम सुन रहे थे कि ये एक नैरेटिव को लेकर चलेगी या वो होगी, आपने तो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को इतना बेवकूफ़ देखा है, जो मुझे नहीं समझ गया कि ये प्रोपेगेंडा मूवी जो मेरे हिसाब से तो थी, तो उसमें आप कुछ तो प्रोपेगेंडा कहते हैं, आप क्या प्रोपेगेंडा कहते हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में सब कुछ बैड है, सब कुछ बुरा है, तो यू फेल्ड मिजरेबली देयर, इट वाज सो डिसअपॉइंट. देन वो पूरा जो उसके बाप का किस्सा था, मुझे तो ना शुरू में समझ आई ना मुझे एंड में समझ आई कि वो किस कश्मीर की बात कर रहे थे, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहे थे, वो आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे थे, वो किधर था, वो वहाँ से आया शुरू में जब हाँ. वो बाप को जब उस सिख के साथ होता है, मे बी आई मिस दैट लाइन, बट आई वाज टोटली कंफ्यूज कि हो क्या रहा है, ये कहां से आया. आई थिंक दे क्लियरली टर्न दिस इशू इनटू अ जोक सॉर्ट ऑफ अ थिंग इन दिस मूवी, मतलब बिल्कुल ही उसकी जो सेंसिटिविटी होती है ना, अगर आपने कोशिश भी की थी तो आपने उसको मजीद यू ओनली हार्मड इट. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, प्रोपेगेंडा फॉर द सेक ऑफ प्रोपेगेंडा शुड नेवर बी देयर इन मूवीज, राइट. ए कहानी, व्हाट इज द स्टोरी दैट यू आर ट्राइंग टू टेल, बी वेरी क्लियर एग्जैक्टली ऑफ व्हाट स्टोरी. देखो नबील के पास व्हाटएवर इट इज, इवन दैट स्टोरी वाज वेरी मीगर, देयर वाज दैट स्टोरी, सही. आपके पास यही मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास आइडिया क्लियर होना चाहिए व्हाट यू नीड टू मेक, सही, एंड देन पैन इट आउट. और आप कब तक रीराइट करते रहो, जब तक कि आपके पास वो चीज पेपर पे सॉलिड ना हो जाए. दुनिया भर में ये होता है, व्हेन द स्क्रिप्ट इज लॉक्ड, सही, उसके बाद आप जाते हैं प्रोडक्शन के अंदर, उससे पहले नहीं जाते. लाड़े के ऊपर फिल्म नहीं बनती, I'm sorry. And she loved, she had realized that she loved this guy and everything. और उसको ढूंढ रही है, टीवी पे जा रही है, शो चल रहा है, उसमें बीच में आके अपना सारा वो कर रही है, और पीछे से मंगनी कर रही है. ये कहां से मंगनी कर ली, कैसे की ये मंगनी, कैसे कर ली, कहां से हो गई, अभी तो मरा तो नहीं था ना, वो जिंदा था. अभी एक्चुअली मंगनी वाली रात उसको ख्याल आता है ना कि मैं उससे मोहब्बत करती हूं, आधा आधा जब उससे बहस होती है उसके फियांसे से, आधा. अच्छा दिखाते हैं कास्टिंग 50-50, शी वांटेड टू प्ले इट सेफ, कास्टिंग. अगर आप किसी को कास्ट करें एज अ 25-28 ईयर ओल्ड, दैट पर्सन शुड लुक लाइक दैट, प्लीज. इट्स अ वेरी विजुअली बहुत मसला है, मैं नहीं देख सकती. आई एम सॉरी, एंड आई थिंक इट्स नॉट एनी मोर पॉसिबल एज एन ऑडियंस फॉर अस टू एक्सेप्ट समबडी जो वो नहीं लग रहा जो आप प्रेजेंट करने की, या लग रही है जो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं आप. सेकेंड, म्यूजिक, द म्यूजिक वुड हैव बीन सो मच बेटर. यू हैव गौहर. आपने गाने सिर्फ इसलिए डाले बिकॉज आपको म्यूजिक ऐड करना है, गाने भी इतने अच्छे नहीं थे. गाने अगर आप गौहर हैं तो आपके गाने एक्सेप्शनल होने होंगे बिकॉज यू हैव दैट म्यूजिकल बैकग्राउंड. लाइक नहीं भी है तो यू हैव, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है यार, क्यों नहीं हम म्यूजिक बना सकते. अच्छा
ये लोग हंस रहे हैं सीरियस बातों पे, ये लोग तो आप गाने ही बना लेते ना उसके लिए, अच्छे हीरो कोई और ले लेते। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक दैट, आई हैव सेड व्हाटएवर आई वांटेड टू से। जिसका देखिए बात ही होती है कि जिसका पैसा होता है वो अपने आप को हीरो बनाता है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके ऑब्वियसली नथिंग अगेंस्ट गौहर गौहर, बट प्रोडक्शन की बात हम कर रहे हैं, म्यूजिक की बात कर रहे हैं, एक्टिंग की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी फिल्म है एटलीस्ट पाकिस्तान की जिसमें अगर एक आदमी या एक औरत, तो मुझे याद नहीं आ रही, बट एक नाम जो प्रोडक्शन में भी, डायरेक्शन में भी, एक्टिंग में भी, म्यूजिक में भी आ रहा है, वो कोई अच्छा प्रोडक्ट कभी हुआ है टर्न आउट? देखिए देयर हैव बीन, तो ये तो वही है कि मैं मूवी बनाऊं, मैं ही उसमें एक्टिंग भी करूं, मैं ही मेरे सबसे ज्यादा सीन्स हो, मेरे सबसे ज्यादा डायलॉग्स हो, दैट विल द क्रिएटिविटी द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट विल सफर, हो ही नहीं सकता। तो वो अगेन दैट्स द थिंग ना, कि व्हेन यू हैव एन इंटेंशन टू मेक द मूवी, व्हाट इज योर बेसिक इंटेंशन देन एट दैट मोमेंट? डू यू वांट टू टेल अ गुड स्टोरी? डू यू वांट टू बी द हीरो, और डू यू जस्ट वांट टू बी अ हीरो, और डू यू जस्ट वांट टू Let's wrap it up with one last question. Is it then true कि हमारे यहाँ अब वो टाइम आ गया है जब हमारे पास टीवी एक्टर्स हैं और हमारे पास फिल्म एक्टर्स हैं? हमारे पास फिल्म एक्टर्स जो हैं वो ही फिल्म चला सकते हैं, दूसरों की फिल्म नहीं चलेगी। नायाब वॉज अनदर एग्जाम्पल, इट केम बट इट डिड नॉट डू वेल ऑन बॉक्स ऑफिस। सो वो वुड यू लाइक टू से? I think is our audience now not willing to see faces जो film की faces नहीं है? Do we have film faces? And how will we, Humayun Saeed, Fahad Mustafa, Mehvish Rehat, you know, yeah, जो भी हैं, Maya Mayra, you know, Mahira also, and yes. चलो Maya डाल दें, पांच, Hamza Ali Abbasi, six, whatever it is, ये तो, no, that's six names, सही, for an industry. The thing is, आपके पास दुनिया भर में सही, और अब तो आपके पास ऐसा हो गया, हम नेटफ्लिक्स की तारीफ़ें करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, नेटफ्लिक्स इज एक्सेसिबल, एक बात है, नेटफ्लिक्स ना इज़ अ फैक्ट्री, इट टर्न्स आउट वे मच वर्स कंटेंट देन वो बेटर कंटेंट दे, सही। दुनिया भर का उसूल ये होता है कि सिर्फ 10% कंटेंट आपके पास अच्छा आता है किसी भी मीडियम में, सिनेमा के अंदर 80s में भी हो रहा था, 90s में भी हो रहा था, 2000s में भी हो रहा था, वर्ल्ड सिनेमा की बात करूँ, सिर्फ पाकिस्तान की भी नहीं, तो नेटफ्लिक्स में तो फैक्ट्री की तरह काम आ रहा है। बात क्या है, 80s में भी ये हुआ है, सही, 90s में भी हुआ है, आपका एक्टर ट्रांजिशन करता है, सही। माइकल जे फॉक्स वॉज अ बिग थिंग ऑन टेलीविजन वंस अपॉन अ टाइम, सही, देन ही ट्रांजिशन इन टू फिल्म, ही वॉज सक्सेसफुल इन बोथ, देन ही ट्रांजिशन बैक इन टू टेलीविजन, स्पिन सिटी एंड वॉट नॉट। एक्टर एक्टर होता है, अगर आप उसको अच्छा रोल दोगे, फॉर एग्जाम्पल हम उस्मान के बारे में कोई बुरा तो नहीं कह रहे, सही, क्योंकि एंड प्राइमेरली वॉट इज ही डूइंग, ही इज एन एक्टर हु नोज हिज लिमिटेशंस। एक एक्टर को अपनी लिमिटेशन समझना बहुत बड़ी बात होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आमिर खान को अपनी लिमिटेशन पता है, वो उसी लिमिटेशन में खेलता है, सेम उस्मान को पता है। गुंजल के अंदर ही डिड अ फिनोमिनल जॉब, इट वाज अ वेरी वेल एक्टेड रोल, या वेरी गुड, ही वाज वेरी गुड, ही न्यू हिज लिमिटेशन, दैट्स द सेम थिंग ही इज डूइंग ओवर हियर, ही नोज हिज लिमिटेशन। सो इफ एन एक्टर, इफ यू थिंक कि हाँ सही है, मैं हुमायूं के लिए रोल लिख रहा हूँ, हाउ वुड आई राइट इट फॉर हुमायूं? जैसे नबील एंड फिजा राइट फॉर फहद मुस्तफ़ा, एंड दे राइट अ प्रिटी वेल बैलेंस कैरेक्टर, नहीं कुछ जगह नहीं, सॉरी, मुझे अचानक लोड वेडिंग याद आ गई और ना मालूम फ्रंट टू याद आ गई, मगर ओके फाइन, मगर दैट वॉज सिंगम। तो एनी वेज द थिंग इज के बट दे राइट इट फॉर दैट पर्टिकुलर हीरो, यू रिवर्स इंजीनियर इट फॉर एन एक्टर। फॉर टॉम क्रूज, टॉम क्रूज हैज फिल्म रिवर्स इंजीनियर, हैपन्स वर्ल्ड वाइड। टेलीविजन के ऊपर वो एक्टर अगर कामयाब है, फाइन, अगर आप उसको सिनेमा के लिए ऐसे सिनेमा वर्दी रोल दोगे, ही कैन ट्रांजिशन वेल इनटू सिनेमा। आई एग्री ओके या अच्छा, हमारे यहाँ तो फिल्म और टीवी के अलग एक्टर्स का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, दूर दूर तक, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल है और जो भी हाल है, जिसमें हम इस वक्त बात बहुत दफ़ा टच किया हमने बट नहीं कर सकते, बट सिंस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इवन पोस्ट रिवाइवल भी, जो एक रिवाइवल को जो भी हमारे सबकी नज़रों में रिवाइवल का इस वक्त कॉन्सेप्ट है हमारे पाकिस्तानी सिनेमा का, आई थिंक कोई चीज़ अगर हेल्प करती है हमारी सिनेमा को वो यही है कि ये जो टीवी एक्टर्स हाउसहोल्ड नेम्स बने ही टीवी की वजह से हैं, वो जब बड़ी स्क्रीन पर आते हैं तो उनका उनकी फैन फॉलोइंग लोगों को सिनेमा लेकर जाती But it है happened in Nayab. अब नायाब पे तो हम इस वक्त रिव्यू नहीं कर सकते, बट आई थिंक हाँ, मतलब अच्छी बात है कि हमारे तरफ हम पुल के उस साइड पे रहते हैं भाई, तो वहाँ भी बिलबोर्ड्स आ गए थे, दैट्स फाइन, अच्छी बात है। एवरीवन अस्यूम दैट दिस वाज अ क्रिकेट मूवी, ट्रेलर और मूवी में भी थोड़ा सा ये तो जिस पर हम सेट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, और मैं कामरान की इस बात से अग्री करती हूँ, जो कि आई थिंक वी हैव हैड डिस्कशंस डिफरेंट उस पे भी, कि एक सर्टेन फिल्म मेकर
या क्रिएटर जो भी है डायरेक्टर, वो किस तरह उसी सेम एक्टर को वो करता है. जैसे बिलाल अशरफ इज वन एग्जांपल, हमने उनको कितना डिफरेंट देखा डिफरेंट मूवीज में. कुछ मूवीज देख के आपको लगेगा कि व्हाई इज ही इवन एक्टिंग, व्हाई इज ही इवन इन दिस मूवी, और कुछ में आपको लगेगा कि व्हाई वाज ही नॉट एक्टेड इन द मूवी बिफोर. सो आई थिंक वो आप एक्टर को कैसे यूज करते हो. लेकिन अभी मैं नहीं समझती कि अलग होने चाहिए वाला एलिमेंट उसमें हमारी मर्जी के लिए करेगा. इफ फवाद खान कम्स ऑन टीवी परहैप्स, इफ अ स्क्रिप्ट इज रिटन अकॉर्डिंग टू how he is as he a is person, doing a, he it will fit. He's in a series. He's in a series. But Fawad Khan has also been a film actor for the longest time now. He hasn't come on TV for a while. So, you know, I think it depends on how they are projected by the drama makers or the filmmakers. Mehvish is one vision. Name. Jo Mehvish I think female actors. Top of the Hamza Mehz. Come back on television. TV pe bhi acha kar raha hai and cinema bhi he keeps dabbing into it. Jack Sparrow ban ke aaya tha, achhi baat hai. Magar chalo aage. Jack Sparrow ban ke aaya tha, magar achha. अच्छा तो लगा ना. एंड ऑफ कोर्स स्मॉलर जट, यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम. आपके काफ़ी अर्से पहले और एक सबसे बड़ा एक एस्पेक्ट हम भूल रहे हैं कि देखिए टेलीविजन इज अ वेरी सिक्योर फील्ड. आपको एज एन एक्टर अगर अपनी रोजी रोटी चाहिए तो डिजिटल और कहीं से नहीं आएगी. पाकिस्तान में टेलीविजन फॉर श्योर. देखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, शान है, शान डजंट डू टेलीविजन, सही है, दैट्स फाइन, अच्छी बात है. एट लीस्ट एक आदमी है जो टेलीविजन पर नहीं आता, सही है. मगर फिल्मों में भी तो नहीं आ रहे. नहीं नहीं बहुत सारी आएंगी अभी, बहुत सारी आने वाली हैं. आप खैर दैट्स अनदर डिस्कशन फॉर अनदर डे. मगर कमिंग बैक टू दिस, ओके, सो अ कपल ऑफ इयर्स बैक जब परेहट लव आई थी तो वी वर सिटिंग इन द टेबल, शरियार मुनव्वर, मी, माया एंड क्या कहते हैं आसिम भी था और वो भी थी अजारा नूर. एंड मेरा तब उस एरा पे मेरा बिलीव था कि टेलीविजन फिल्म एक्टर्स में डिवाइड होना चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस सिर्फ सिनेमा वाली सिनेमा के ऊपर आए. देयर शुड बी सम इंसेंटिव टू दैट. तो शेरी एंड आई गैंगड अप अगेंस्ट माया एंड ज़ारा नूर कि नहीं भाई होना ही अलग चाहिए. अब वो आई थिंक शरियार मुनव्वर मस्ट हैव चेंज्ड हिज माइंड बिग टाइम. ओके, सो व्हाट हैपेंड वाज के हमारी बहुत अच्छी बिकॉज़ ही इज डूइंग सो वेल ऑन टीवी. हां, क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी, हम लाइक इतनी स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट. शेरी इज लाइक वेरी एस्ट्यूट व्हेन इट कम्स टू आर्ग्यूमेंट्स, बहुत स्मार्ट है. तो हम लोगों ने वो आर्ग्यूमेंट जीत ली. जब हम बाहर निकले थोड़ी देर बाद तो माया बोलता है कि कामंदर एक से ना. मैंने कहा जी क्या, देखिए फिल्म तो साल में एक मिलती है ना, ड्रामा तो होता है, हाउ डज एन एक्टर कीप ऑन सर्वाइविंग. सही, सारा हैड द सेम ओपिनियन. मैंने कहा मैं मना नहीं कर रहा, डू टेलीविजन, मगर सिनेमा शुड बी अ प्रायोरिटी. अगर आप तीन ड्रामे कर रहे हैं तो एक करो और देन हैव अ बेटर लाइक सॉर्ट थ्रू स्क्रिप्ट्स. सही है ना, कई स्क्रिप्ट भी नहीं आते अच्छे, अनदर प्रॉब्लम. अच्छा, अ ईयर पासिस एंड देन शेरी की फिल्म भी नहीं चली थी और कोई प्रोजेक्ट भी अच्छे नहीं आए थे, कुछ भी नहीं हुआ था. तो आई वॉज एट विजन फैक्ट्री, तभी ही एट द ऑफिस ओवर देयर. तो यही कॉन्वर्सेशन दोबारा स्टार्ट हो गई ना. एंड एट दैट पॉइंट आई अर्ज्ड हिम कि टेलीविजन पे वापस आ जाओ, वापस आओ, स्टार्ट रीडिंग स्क्रिप्ट्स. ए, इट विल गिव यू मच मोर टू डू एज एन एक्टर. सही, यू विल हैव मच मोर एक्सपीरियंस ऑन सीन्स. इट विल बी अ गोरिल्ला मास्टर क्लास. दे धनाधन आप सीन करते जाएंगे, चार महीने के अंदर आप इतने सीन करेंगे कि आपकी एक्टिंग रिफाइन हो जाएगी. टू थ्री मंथ लेटर ही वॉज रीडिंग फाइजा व्हाट इफ्तिखार स्क्रिप्ट. सही, तो मैं वहाँ आया तो देयर वाज दैट पाइल ओवर देयर. आई एम हैप्पी कि ही टुक दैट ट्रांजिशन फ्रॉम फिल्म टू टेलीविजन. क्योंकि मायरा खान इज अ प्राइम एग्जांपल. आपका क्या ओपिनियन? I'm still thinking. I actually do not have an opinion on this. I'm still thinking because I would like to believe that, but yeah, I. Sometimes you don't have the choice to believe anything. आपको बस एक सामने फैक्ट आ जाता है. आप कहते हैं अभी I just resigned to the fact. Yeah, exactly. I just feel that नायाब नहीं चली, but नायाब को लोग देखने भी नहीं आए, which is such a shocker to me. आप हटा दे production, आप हटा दे. प्रोडक्शन में कौन था, डायरेक्टर कौन था? इट वॉज यमुना ज़ैदी. सो आई फेल दैट मे बी दैट नेम वुड ब्रिंग एट लीस्ट सम पॉपुलेशन टू द सिनेमा. इट डिड नॉट. सो फॉर मी दैट्स अ वेरी बिग केस स्टडी दैट आई मीन आप अब नाबालिग अफराद और अभी को हम देख के बुरा बोल रहे हैं ना, बट लोग तो देखने भी नहीं गए. सी दैट्स द इशू. सो काफी लंबाई बात कर लिया, बट वी कीप इट फॉर अनदर. सो सॉरी गाइस, मूवीज ना रिलीज हो रही हो तो हम उसके अलावा मिलके हम लोग वी कैन टॉक अबाउट टू थ्री थिंग्स. दिस डिस्कशन इज वेरी इंटरेस्टिंग.
और मूवीज नहीं हो, हम और भी बहुत से हमारे टॉपिक्स हैं जिसपे स्क्रिप्ट एंड यू नो लाइक स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, फोकस ग्रुप्स एंड एवरीथिंग यू नो प्रीमियर्स, लेट्स टॉक अबाउट प्रीमियर्स, लेट्स टॉक अबाउट अ थाउजेंड कामरान ठीक होना चाहिए नहीं हम तीनों नहीं हम तीनों अच्छे मैनेज कर रहे हैं और कामरान बहुत इंप्रूव हो गए, आप कामरान लेके कम मेरी उम्र हो गई भाई 40 मिनट ही होते हैं सब कामरान की वजह। थैंक यू गाइस सो मच फॉर कमिंग टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर आपने ये तीनों मूवीज देखी हैं जो भी देखी है और हमसे जिस बात से आप एग्री या डिसएग्री करते हैं, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइस इन कमेंट्स बिलो। एंड नहीं देखी है तो अगर हमारे रिव्यू से इंप्रेस होकर आप किसी या कन्विंस होकर किसी मूवी को देखने जाते हैं तो जरूर जाइए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।